भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई। विजयरावत जी? यस मैम, यस यू आर ऑडिबल। यस मैम, ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमएफएमई अवेयरनेस सेशन में, जो कि झारखंड स्टेट के लिए है। मैं जितने भी एफपीओज, एफपीसी, सीबीबीओज हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस सेशन में। इस सेशन की होस्ट मैं मीनाक्षी चौधरी। मैं छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी अपना। मैं डेजिग्नेटेड हूँ पीएमयू पीएमएफएमई में, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली, निफ्टम कुंडली में, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आज का ये सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर योर स्टेट। आई वेलकम यू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं इसमें। और उसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्पीकर का, जो कि है श्री राजीव रंजन जी। वेरी वार्म वेलकम सर। उसी के साथ मैं स्वागत करूंगी हमारे साथ जुड़े हुए विजय रावत जी का, ही इज फ्रॉम एनपीएमए। वेरी वार्म वेलकम विजय रावत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का ये जो पीएमएफएमई अवेयरनेस सेशन है, ये इसलिए कंडक्ट हो रहा है ताकि हम आप सभी तक पीएमएफएमई स्कीम के बेनिफिट्स, उसके क्या क्या लाभ हैं जो आप लोग उठा सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, उसी के साथ क्या क्या प्रोसेस रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए, या फिर इसके सपोर्ट और इसके लाभ को उठाने के लिए। सो पीएमएफएमई स्कीम में कई तरीके के डिविजन्स हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है, जैसे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको जो भी सब्सिडी मिलती है वो उस सब की सारी डिटेल्स, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आपको हमारे स्पीकर आज के सेशन में बताएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत जानकारी भरा, इंफॉर्मेटिव होगा, और इससे आप कुछ, आप सब लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे जो कि आप अपने बिजनेस में, या फिर अगर आप कोई लघु उद्यम भी शुरू करना चाहते हैं, कोई माइक्रो एंटरप्राइज भी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये बहुत बेनिफिशियल हो, बहुत लाभदायक हो। तो मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, मैं आशा करती हूँ कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, और मैं स्पीकर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो सेशन को शुरू करें। थैंक यू। सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, यस इट इज ऑडिबल नाउ, थैंक यू। या थैंक यू मैम फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड जोहर। अभी हम लोग प्रधानमंत्री का ये जो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत इसको पीएमएफएमई को लाया गया है, पीएमएफएमई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना, तो इसके बारे में हम लोग एक डिटेल से देखते हैं। मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर कर लूं। जी सर। विजिबल है? यस सर, इट इज विजिबल। थैंक यू।
तो जैसा कि हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि ये प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत योजना है उसको और सुदृढ़ करने के लिए पीएम एफएमई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना भारत सरकार ने लाया है, और इस इसके स्क्रीन ब्रीफिंग में हम लोग जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पीएम एफएमई क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो जो पोटेंशियल है हमारे स्टेट का, अगर आप देखेंगे कि स्टेट ये तो पूरे इंडिया में हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग झारखंड के टर्म में बात करें कि झारखंड में जो हमारे एफपीओज हैं, किसान हैं जो सूक्ष्म ये फूड प्रोसेसिंग पे काम करते हैं, तो एक काफ़ी आप देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल है। और जो टाइपोग्राफी है स्टेट का, अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे लघु उद्योग गाँव में चलते हैं, फूड प्रोसेसिंग के कई सारे चीज़ चल रहे हैं, लेकिन उनका क्या है कि लोअर जो क्रेडिट सपोर्ट नहीं होता है, उनका जो प्रोसेसिंग है कैपेबिलिटी उसमें गुणवत्ता की कमी होती है, ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं, और साथ में एक जो पैकेज का जरूरत होता है कि वो कैसे पूरे वैल्यू चेन पे काम करे, वो नहीं कर पाते हैं। साथ में आप देखेंगे कि प्रोसेसिंग तो हो रहा है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही तरीके का उनके पास या जिस जिस क्वालिटी की चाहिए उनके पास नहीं होती है। साथ में अगर आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी वाइज देखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास फंड है, गवर्नमेंट के स्कीम्स है, और एक्सेस आप देखेंगे कि मार्केटिंग के अभी जो पॉसिबिलिटी, इन सब चीज़ों को देखते हुए पीएम एफएमई जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर बैकग्राउंड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 25 लाख जो अनऑर्गेनाइज फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है वो भारत में एग्जिस्ट करता है, और जो कि आपका 74% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और 12% आउटपुट आपका वैल्यू एडिशन में भी कंट्रीब्यूट करता है प्रोसेसिंग सेंटर में, और जिसमें कि आप अगर देखेंगे तो ये जो छोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ये 66% सिर्फ गाँवों में हैं, और उसमें 80% जो वो सिर्फ फैमिली ओन्ड होते हैं। अगर आप गाँव में देखेंगे तो उनका खुद का सरसों का अगर होता है प्रोसेसिंग यूनिट है, आटे का है, दाल का होता है, ज़्यादातर वो फैमिली ओन्ड होता है, और जो मेजर सेक्टर हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट में वो ग्रेन के हैं, शुगर के हैं, ऑयल के हैं। झारखंड में खास करके देखेंगे तो ऑयल का काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्रेन्स का, दाल का होता है, आटे का, ये सब हम लोग काफ़ी देखते हैं। साथ में एक डेयरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और अभी पिछले हम लोग देखेंगे 5 सालों में देखेंगे तो फूड प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और एनुअल ग्रोथ इसमें लगभग 11.18% का है, और इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो एक तरह से वर्ल्ड में काफ़ी लार्जेस्ट है, और ये जो आउटपुट है वो 535 हंड्रेड बिलियन 2025-26 तक हो जाएगा। सो हमारा जो अवेयरनेस का ये कार्यक्रम है, तो पीएम एफएमई का जो ऑब्जेक्टिव है, पहला है कि इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट। इनफैक्ट जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि गाँव में देखते हैं जो फैमिली ओन्ड अभी ज़्यादातर प्रोसेसिंग यूनिट है, अब इनको है कि हमारे यहाँ एफपीओस पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको इंक्रीज एक्सेस क्रेडिट का होना चाहिए, क्योंकि अगर अभी जो गाँव में प्रोसेसिंग यूनिट है वो छोटे हैं, अगर हम लोग उसमें एडवांसमेंट लाते हैं, फिल्ट्रेशन लाते हैं, वैल्यू एडिशन लाते हैं, ब्रांडिंग लाते हैं, तो फिर इसका कॉस्ट बढ़ता है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे इंक्रीज एक्सेस है क्रेडिट का। साथ में है कि संस्थाओं का आपको सपोर्ट मिलता है सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि ये हर कोई अपने से नहीं कर पाएंगे, तो इसमें प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए आपको इंटीग्रेट किया जाता है संस्थाओं के साथ, और साथ ही जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनके लिए भी एक एक्सेस उनको मिल सके, जैसे स्टोरेज का आप देखेंगे, पैकेजिंग का देखते हैं, मार्केटिंग, ये सब जो चैलेंजेस आते हैं ग्राउंड पे, इनक्यूबेशन सेंटर की ज़रूरत होती है। अगर कोई लघु उद्योग शुरू करते हैं फूड प्रोसेसिंग पे, लेकिन उनको अगर सही गाइडेंस ना मिले तो वो अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए इनक्यूबेशन सेंटर की भी ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे पीएम एफएम में आपको उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही जो संस्थाएं होती हैं इनको ट्रेनिंग, रिसर्च, इनमें भी आपको मदद मिलेंगी, और जो प्रोफेशनल सपोर्ट है, जैसे भी हम लोग आगे बात करेंगे कि इसमें एक टेक्निकल टीम है जो आपको
एकदम शुरू से जहां से आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वहां से आप कैसे अपना प्रोसेसिंग यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे, उसमें क्वालिटी कैसे मैनेज करते हैं, पूरे वैल्यू चेन पे भी आपको सपोर्ट करना, ये सब हमारे ये जो स्कीम है इसका ऑब्जेक्टिव्स है। और स्कीम को अगर एट अ ग्लांस हम लोग देखते हैं तो जो इनफॉर्मल माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है इनको 5 साल में अपग्रेड करना है, और इसका एक मेजर आप कह सकते हैं कि फोकस है। और जो स्कीम पीरियड है 2020 से 21 से लेके 2024-25 तक का है, जिसमें सेंटर का जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है 60% है और आप स्टेट का 40%, तो ये सेंटर और स्टेट दोनों का ज्वाइंट सपोर्ट है इस स्कीम के लिए। और जो फाइनेंशियल आउटले आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट आपको मिलता है। तो 10,000 करोड़ रुपए और 2 लाख इनफॉर्मल माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट, ये आप कह सकते हैं मेजर नंबर्स की अगर बात करें तो। और जो बेनिफिशरीज हैं इसमें इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, साथ ही साथ अभी मेजर फोकस है कि FPO है, प्रोसेस प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स हो गए, SHG हो गए, इनको फोकस करना है। और क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम FPO के लिए है तो उस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। और लगभग 6,040 इनफॉर्मल माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो 5 सालों में अपग्रेड हो जाएंगी, और इसके लिए जो बजट एलोकेशन है वो भी 250 करोड़ रुपया अगर सिर्फ झारखंड के कंटेक्स्ट की बात करें तो। आप झारखंड के भी अगर बजट को देखें तो काफ़ी सफिशेंट बजट है जो सभी FPO SHG को मदद मिलेगा, तो खास करके FPO को इसमें फोकस करने की ज़रूरत होगी क्योंकि उनके लिए एक अच्छा बजट एलोकेशन है। और अगर आप संस्थागत स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्स पर्सन होते हैं जिनसे आप मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन आप DIC के साथ अगर मिलते हैं, उद्योग विभाग जाते हैं अपने FPO, अगर आप FPO से हैं तो आप, या इंडिविजुअल हैं तो आप अपने आपका DIC जाएंगे, वहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं जो आपकी मदद करेंगे। और स्ट्रक्चर में देखेंगे तो फिर स्टेट नोडल एजेंसी है, स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी है, अगर आप अपना एप्लीकेशन जनरेट करते हो उसको सबमिट करोगे तो फिर वो आगे रिव्यू होगा, फिर अप्रूव किया जाएगा, क्योंकि आपका जो DPR वगैरह बनाने में वो सब ग्राउंड पे ही हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन जनरेट करते हो तो उसी वक्त आपको DPR के साथ ही सबमिट करना पड़ता है, मशीनरी जो लगेंगे उनका आपको कोटेशन सबमिट करना होगा, साथ में अगर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे अगर आप फूड प्रोसेसिंग में है तो FSSAI लगना होता है आपको, अगर कुछ पॉल्यूशन रिलेटेड है, अलग अलग आपको क्लियरेंस चाहिए वाटर सप्लाई का, आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट को देखते हुए उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको करना होता है। और फिर अगर आप सब कुछ फुलफिल करते हैं तो स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी में वो जाके रिव्यू किया जाता है, जहां से फिर आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो फिर आपको आगे की चीज़ों को मैनेज करती है, फंडिंग को। और फिर देखेंगे तो आपके टॉप में FPI आपके मिनिस्ट्री से होते हैं जिनसे ओवरऑल प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और साथ में आप देखेंगे कि टेक्निकल यूनिट है, स्टेट लेवल टेक्निकल यूनिट है, जो खास करके अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे मशीनरीज की, तो मशीनरीज आप अगर लेना चाह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे, तो उसके लिए टेक्निकल यूनिट भी है जो आपको सपोर्ट करती है मशीनरीज में। ब्रांडिंग वगैरह के लिए भी संस्थाएं हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे ब्रांड करते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे। तो ऐसे करके एक एंड टू एंड इसमें सॉल्यूशन है कि अगर एक किसान एक FPO या SHG फूड प्रोसेसिंग पे काम करना चाह रहा है तो उनको सारा सॉल्यूशन मिले। अब अगर की कंपोनेंट की बात करें हम लोग PMFME की, कि एक स्कीम तो है हमारे पास 10,000 करोड़ रुपए, उसमें झारखंड में आप देख रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए हैं, और 6,064 हमने बताया नंबर्स में कि इसको 5 साल में अपग्रेड किया जाना है, तो आप देखेंगे इसमें की कंपोनेंट क्या है। सो सबसे पहले की कंपोनेंट्स है, अभी आपने देखा है कि हमारे जिलों में बात हो रही है एक जो क्लस्टर अप्रोच है ना, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो गवर्नमेंट का फोकस है कि क्लस्टर में जो हमारा किसी एक
फूड प्रोसेसिंग में जाएंगे तो हर जिले के लिए खाद्य उत्पाद को सिलेक्ट किया गया, जिनको प्रमोट किया जाएगा क्लस्टर अप्रोच में, ताकि जो आपका इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव किया जा सके। ज़्यादा मात्रा में होगी तो फिर ये पॉसिबल होगा कि हम लोग ब्रांडिंग पे काम कर सकें, वैल्यू चेन पे अच्छे से काम कर सके, उनका ब्रांडिंग कर सके। तो पहला कंपोनेंट यही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे कि हर जिले के लिए कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया गया है। दूसरा है कि ये जो माइक्रो इंटरप्राइज हैं उनको सपोर्ट करना। अभी एग्जिस्टिंग माइक्रो इंटरप्राइज आप गाँवों में देखते हैं, तो वैसे यूनिट्स को भी सपोर्ट किया जाना है इस स्कीम के अंदर। साथ ही है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग में स्टोरेज को लेके कुछ ऐसे जो बड़े इन्वेस्टमेंट की जहाँ ज़रूरत है, या फिर ग्रेडिंग सेंटर हो, कुछ कलेक्शन सेंटर, अगर कुछ बड़े सेंटर की बात हो रही है जो कि एक इसमें एक बड़े फंड की ज़रूरत हो, तो कॉमन इंफ्रा भी क्रिएट किया जा सकता है। साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सीड कैपिटल का इसमें एलोकेशन है। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए फंड है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं ब्रांडिंग के लिए या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, तो फिजिबिलिटी कितनी है, आप कितना कर पाएंगे इसको। गाँवों में हम लोग किसी खाद्य उत्पाद को लेकर काम करेंगे तो ये भी समझना है कि उस मार्केट में कितना उसका लाभ हो पाएगा। तो इन अलग अलग चीज़ों के लिए आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी है, मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए है, इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे एक बार आप अपना यूनिट बना लेते हैं तो आपको आपको ये चाहिए होता है कि आपको कोई गाइड करे, हैंड होल्ड करे आगे चलने में, कि आपकी संस्था जो छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी, जो आपने जो बिजनेस इकाई शुरू की है उसको आगे लेके कैसे जाएंगे। साथ में कैपेसिटी बिल्ड करने की बात है कि आप खुद से उन चीज़ों को कर पाएं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देवघर के लिए पेड़ा है, दुमका में भी पेड़ा है, इसी मुँह टमाटर, हजारीबाग में गुड़ है, जामताड़ा में चिल्ली, फूटी में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टमरिंड, कोडरमा में लाइम है, लातेहार में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में महुआ है, लोहरदगा में हनी, पाकुड़ में मैंगो, रांची गुआवा, साहिबगंज में मैंगो। तो आप यहाँ पर ऐसे करके देख सकते हैं, सरायकला में ऐसे ही है, आपका चिरौंजी है, वेस्ट सिंहभूम में कस्टर्ड एप्पल है, बोकारो में जैक फ्रूट, चतरा में टोमेटो, धनबाद में पोटैटो है, गढ़वा में पोटैटो है, गिरिडीह में टोमेटो है, गुड्डा में मैंगो, गुमला में ग्रीन चिल्ली, पलामू में टोमेटो, रामगढ़ में पपाया और सिमडेगा में मैंगो है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि आपके जो जिले के ये चयन किए गए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, इस पर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको PMFA में बढ़िया सपोर्ट मिलेगा, उसके ब्रांडिंग में भी कुछ एडिशनल है सपोर्ट है जिसपे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और भी इन क्रॉप्स को छोड़ दें तो आगे हम लोग देखेंगे मिलेट्स, मशरूम, व्हीट, पैडी, ऑयल सीड, बेकरी, या भी जैसे फेमस फूड प्रोडक्ट हो डिस्ट्रिक्ट का, जैसे सरायकला का लड्डू, तो इस तरह के भी आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो उन पर आप PMFA के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब है कि हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपने ये देख लिया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, आपको ये पता हो चुका है कि डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ये जेनरेट करते हो कि आपको ये स्कीम में अप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे फिर बात होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन से आपको मिलना होगा, वो आपको हेल्प करेंगे, जैसे वो DPR प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे, अप्लीकेशन जनरेट करने में मदद करेंगे, आपको बैंक लोन में मदद करेंगे, ट्रेनिंग में मदद करेंगे, आपको यूनिट को अपग्रेड करने में मदद करते हैं, साथ में जो भी रेगुलेशंस अभी जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे कि आपको FSI चाहिए होगा, वाटर, ये सब का जो भी है, तो आपको हाइजीन वगैरह का सारा कुछ के लिए वो हैंड होल्डिंग करेंगे माइक्रो इंटरप्राइज को जो आपके DRC हैं। साथ में जो सब्सिडी हैं, सीड कैपिटल इंडिविजुअल्स को मिलने हैं, माइक्रो इंटरप्राइज और ग्रुप को जो कॉमन फैसिलिटी मिलना है, इसके लिए भी उनका काम होगा आइडेंटिफाई करना और ये जो अप्लीकेशन प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करना। साथ में जो इनको इनपुट प्रोवाइड करना है PIP के लिए, ODOP के लिए, क्लस्टर स्टडीज के लिए, स्टडी ग्रुप, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन करेंगे।
और ठीक है, और अगर कोई इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइज शुरू होता है तो उसके लिए उनको क्या है, आपको क्या गवर्नमेंट मिलेगा उसमें है कि अगर आप क्रेडिट लिंक सब्सिडी है, अगर आप 10 लाख रुपए तक का 35% आपको इसमें सब्सिडी मिलेगा, और इसमें ये है कि आप मैक्सिमम 10% तक ही ले सकते हैं, 35% करके सब्सिडी आपको मिल सकता है। साथ में जो बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें 3.5 लाख रुपया सब्सिडी होगा, 10% बेनिफिशियरी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और 55% जो है वो लोन में जाएगा, मतलब 5.5 लाख रुपया लोन होगा, 1 लाख रुपया आपका कंट्रीब्यूशन होगा और 3.5 लाख रुपया आपको इसमें सब्सिडी मिलेगा। और जो जमीन का कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट नहीं बन सकता है। साथ ही अगर कुछ पहले से बना हुआ है तो रेंट आपको मिल सकता है, लीज वगैरह, ये सब आप प्रोजेक्ट के कॉस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। और साथ में अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग माइक्रो इंटरप्राइज है तो वो भी फूड प्रोसेसिंग के लिए सपोर्ट अवेल कर सकते हैं, अपग्रेड करने के लिए। और साथ में जो नया यूनिट है वो ODOP भी हो सकता है, नॉन ODOP। अभी जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको बताया कि हर जिले के लिए आपका ODOP एक जिले के लिए चयन किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, लेकिन उसके अलावा भी जैसा कि अलग जो उत्पाद है उसके लिए भी आप कर सकते हैं। और बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है वो 40% से ज़्यादा अलाउड नहीं है, 40% तक अलाउड है, और जो 35% सब्सिडी है वो बैंक के साथ पार्क हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे आप अपना किस्त चुकाएंगे वैसे वैसे आपको अवेल होगा वो। और जो बेनिफिशियरी हैं उनको इंटरेस्ट बाकी के अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी माइक्रो एंटरप्राइज की, तो हाँ, अगर आप सवाल के लिए बोल रहे हैं ना, मैंने PPT पे एक्चुअली मेरा स्लाइड शो है तो आपके क्वेश्चंस मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी, एक बार जब प्रेजेंटेशन हो जाता है तो आखिरी में हम लोग सवाल ले लेंगे। पहला है कि आपका जो यूनिट है वो एग्जिस्टिंग होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए, जो माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए क्या है, और इस दूसरा है कि आपको आइडेंटिफाइड होना चाहिए SLUP में या ODOP में रिसोर्स पर्सन के द्वारा, और वो फिजिकली जाके वेरीफाई करेंगे। साथ में है कि वो इनकॉर्पोरेटेड नहीं होना चाहिए तब तक, और उसमें 10 से कम एम्प्लॉय होने चाहिए, और साथ में ये प्रेफर किया जाएगा कि वो ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हों, और दूसरे भी ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले ही बताया कि कंसिडर किए जा सकते हैं, और जो अप्लीकेंट हैं उनको ऑनरशिप राइट होनी चाहिए तभी उनको ये मिल पाएगा, क्योंकि फिर वो किन्हीं और के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको खुद के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और जो आपका एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, और एज 18 से ज़्यादा होना चाहिए, और एक फैमिली से एक ही पर्सन एलिजिबल है, साथ ही जो विलिंगनेस होना चाहिए कि 10% आपको प्रोजेक्ट का कॉस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अब सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, तो पहला है कि आपको इनवाइट भी किया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनवाइट किया जाए कि आपके माइक्रो यूनिट्स के लिए, फिर DRPs जो हैं वो आपका फील्ड वेरीफाई करें, और फिर अप्रेजल होगा। दूसरा है कि आइडेंटिफाई करें, कि रिसोर्स पर्सन सर्वे करें और आइडेंटिफाई करें ऐसे पोटेंशियल यूनिट को, और इंक्रेज करें कि उनके ऑनर को इसमें अप्लाई करने के लिए। दोनों ही केस में इनको अप्रेस किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा, और अगर अप्रूव्ड होता है तो फिर DPR बनेगी, और फिर अभी जैसा हमने पहले प्रोसेस बताया, DPR बनने के बाद फिर वो आगे फॉरवर्ड होता है, और DPR जब सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट होगा तो फिर आपको लोन मिलेगा। ये सारा प्रोसेस पहले के जैसा होगा, फिर जो हम लोगों ने अलग अलग लेवल पे बताया कि डिपार्टमेंट्स हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल, कमिटियाँ बनी हुई, वहाँ पे जाके वो असेस होगा। अब यूनिट किस चीज़ पे असेस होगा, आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो है एनुअल टर्नओवर, दूसरा है कि ट्रैक रिकॉर्ड कैसा आपका पेमेंट्स का, एग्जिस्टिंग अगर कुछ आपने बना के रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ, साथ में है प्रॉक्सिमिटी क्लस्टर का कहाँ है, किस जगह पे बेस्ड है, वहाँ पे एक्सेस कैसा है, आसपास में रॉ मटेरियल्स वगैरह का कितना बढ़िया एक्सेस होगा, मार्केट से वो लिंक कैसे हो सकता है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा।
अब अगर बात करेंगे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इसमें है कि एफपीओ अप्लाई कर सकते हैं, एसएचजी अप्लाई कर सकते हैं, कोऑपरेटिव और कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी अप्लाई कर सकते हैं। और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर जाएंगे तो जो हायरिंग है वो जैसा सब्सटेंशियल पार्ट रहेगा कैपेसिटी को, वो सब देखते हुए इसमें किया जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी है इसमें देखेंगे, क्योंकि थोड़ा लार्ज साइज है, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसमें 10 करोड़ के जैसा भी हो सकता है, तो इसमें जो देखा जाएगा कि जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को जाए, एज ए इंडस्ट्री वो ग्रो करे, उनको बेनिफिट जाए, और जो गैप है वायबिलिटी वो उसमें हेल्प करे, साथ में जो वैल्यू चेन में इसका क्रिटिकल आपको कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए, इन चीज़ों का देखा जाएगा ध्यान कॉमन इंफ्रा के लिए। साथ ही क्रेडिट लिंकेज जो है वो ग्रांट अवेलेबल होगा पहले के जैसा ही, 35% इसमें भी आपको ग्रांट मिलता है सब्सिडाइज, तो लेकिन थ्रू क्रेडिट होगा, सेम प्रक्रिया है 10%, 35% और 45%। अब किस तरह के कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किए जा सकते हैं, तो पहला है कि वैसे प्रमिसेस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है, सॉर्टिंग के लिए है, ग्रेडिंग के लिए है, वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज फार्म गेट पे, इन चीज़ों को ये आपको फंड किया जा सकता है। साथ में जो कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, जैसे हम लोगों ने बताया कभी अगर हजारीबाग का एग्जांपल की गन्ना है तो गन्ने के लिए, फिर होगा कहीं का आलू है तो आलू प्रोसेसिंग यूनिट के लिए है, तो उसको भी कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी में लाया जा सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। साथ ही जो इनक्यूबेशन सेंटर है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन हो सकता है, और जो किसान है वो स्मॉलर यूनिट को हायर बेसिस पे यूज कर सकें, अपना जो प्रोसेसिंग अपने प्रोडक्ट को लेकर आए, प्रोसेसिंग करके जा सकें, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलते हैं या पैक हाउस, ऐसा कुछ अगर सभी सोच रहे हैं कि जिसमें किसान सबके लिए वो कॉमन एक सेंटर बन सके, ये भी इसमें आ सकता है। साथ में ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है और इसे कॉमर्शियल बेसिस पे रन किया जाना है। अब आप देखेंगे कि अभी जो सीड कैपिटल की बात हम लोग पहले कर रहे थे एसएचजीज के लिए, तो एसएचजीज के लिए 40,000 रुपया पर मेंबर सीड कैपिटल है जिससे वो छोटे छोटे टूल्स खरीद सके, और जो प्रायोरिटी है वो उन एसएचजीज को ही दिया जाएगा जो ओडीओपी प्रोड्यूस में इन्वॉल्व हो, और ये जो सीड कैपिटल है ये फेडरेशन लेवल पे दिया जाएगा। और स्पेशली ऑब्वियस है कि ये जो एनआरएलएम के एसआरएलएम के जो ग्रुप्स हैं उनको ये एज अ ग्रांट मिलेगा, और ये जो एसएचजी फेडरेशन है ये इनको एज अ लोन प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है वो एमओआरडी और एमओएचयूए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन के साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। साथ में जो एसआरएलएम है झारखंड में जेएसएलपीएस, साथ ही डायरेक्टोरेट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एसयूएलएम विल एक्ट एज अ डीआरपी टू मोबिलाइज सीड कैपिटल, क्योंकि एनआरएलएम का ये जो भी एसएचजी है झारखंड में जेएसएलपीएस आपका है, तो क्योंकि इनके एसएचजीज होते हैं हर जगह, तो ये ही एज अ डीआरपी मोबिलाइज करेंगे जो अपने टीम है उनके थ्रू इन चीजों को एसएचजी के लिए जो सीड कैपिटल की बात कर रहे हैं। साथ में 2437 रुपया जो है वो हैंड होल्डिंग कॉस्ट है पर एप्लीकेशन, जिसमें पहले ट्रेंच में 1,000 रुपया दिया जाएगा मोबिलाइजेशन के लिए और सेकेंड ट्रेंच में 1437 रुपये। और इसमें आप देखेंगे तो क्या करना है, फैसिलिटेट करना ट्रेनिंग के लिए और एफएसआई लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये सब जो अप्लीकेबल होगा वो उनको उपलब्ध कराना है। साथ ही ये जो एसएनए होगी वो इनको हैंड होल्डिंग कॉस्ट आपको रिलीज कर देगी। अब सीड कैपिटल के लिए क्या होना चाहिए एसएचजी के लिए, तो उनका योग्यता में देखेंगे तो पहले ये है कि जो एसएचजी है वो पहले से फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो। आप देखेंगे कि आपका जो एसएचजी है अगर आलू से बने चिप्स वगैरह बना रहे हैं जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है, तो वो इसमें इनका लाभ ले सकते हैं, और साथ में वो जो एसएचजी हो उसके मेंबर्स भी उसमें शामिल हो, वो भी जरूरी है। साथ में आप देखेंगे तो एसएचजी को जो सीट ग्रांट मिलेगा, जो पैसे आप दे रहे हैं वो भी स्कीम के द्वारा मिलने वाला जो लाभ है उनको वो तब मिलेगा जब उसको उपयोग में लाएंगे छोटे छोटे टूल्स लेने के लिए, या उस पैसे से जो भी टूल्स उनको अपने प्रोसेसिंग के लिए चाहिए अगर वो लेते हैं तो उनको इनका लाभ मिलेगा।
और अगर ये सीड कैपिटल लेने से पहले जो फेडरेशन है, क्योंकि अभी जैसा हमने बताया कि ये फेडरेशन के थ्रू ही आने का है, तो पहले क्या है कि उनको जो प्रोडक्ट का डिटेल है वो भेजना पड़ेगा, और दूसरा जो एक्टिविटी है उसके बारे में जो ले रहे हैं एक नोट उनको भेजना पड़ता है, एसएचजी का एनुअल टर्नओवर, और रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से इनको मिल रहा है, साथ में मार्केट कहाँ कर रहे हैं, ये सब जो डिटेल्स है उनको सीड कैपिटल मिलने से पहले ये फेडरेशन को कलेक्ट करना होता है। अब आप देखेंगे टाइमलाइन इसके लिए क्या है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन को सबमिट किया जाना है, जो कि आप देखेंगे कि जो भी इसमें टाइम लगे, फिर डीआरपी क्या है, स्क्रूटनी करेंगे इनको। डीआरपी का मतलब आपके जो जेएसएलपीएस एसआरएलएम की टीम है, फिर 1 वीक के अंदर यहाँ पे डीएनओ स्क्रूटनी करके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेंगे, तब फिर बैंक स्क्रूटनी करेगी, और 2 वीक में आपका एप्लीकेशन जो है ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा नेक्स्ट लेवल। अगर स्क्रूटनी नहीं होता है तो फिर उस टाइमलाइन से आगे मूव कर जाता है। अब है ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। एक बार जब प्रोडक्ट आपके पास हो गया, आपने सरसों का तेल, आलू का चिप्स या फिर आपने गुड़ बना लिया, तो अब उसके लिए आपको चाहिए कि प्रोडक्ट सेल कहाँ करे, क्योंकि जो मेजर चैलेंज होता है वो वैल्यू एडिशन पार्ट में होता है, मार्केटिंग में होता है। तो मेरी आवाज आ रही है, एक शिवनाथ जी लिख रहे हैं कि उनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, आप लोग सुन पा रहे यू आर ऑडिबल, हैं? यू आर ऑडिबल। ओके, यस। तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले है आप देखेंगे कि आप जो अपना रैपर बनाएंगे तो ग्राफिक डिजाइन की जरूरत पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट की जरूरत है, आप एजेंसी को हायर करते हैं, वेयर हाउस स्टोरेज चाहिए होता है, मार्केट स्टडी की जरूरत है, ट्रेनिंग सेल्स के लिए है आपको चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जैसे आप प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसे आप स्टैंडर्ड रिक्वायर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जैसे मान लो गुड़ के का बात कर लें तो उसमें 2-3 महीने में थोड़ा सा अगर मॉइस्चर आया तो खराब होने लगता है, 2-3 महीने में ही कभी फंगस आ रहा है, तो ये सब जो क्वालिटी कंट्रोल, वैसे आलू के चिप्स में है कि आप इवन तरीके से हो रहा है कि नहीं, सारा जो टेस्ट है वो आपको मिल पा रहा है या नहीं, सही तरीके से मिक्स हुआ है कि नहीं, तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको एंश्योर करने के लिए, साथ में मार्केटिंग टाइप है जो नेशनल और रीजनल रिटेल चेन्स हैं स्टेट लेवल के साथ मिलके या नेशनल लेवल पे, उसके बारे में, साथ में डेवलपिंग एक कॉमन ब्रांड। ये क्यों आ रहा है, जैसे ODOP कहीं ना कहीं फोकस इसलिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट को क्लस्टर अप्रोच में फोकस करेंगे तो ये पॉसिबल होगा कि कॉमन ब्रांड डेवलप करके उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो इन सभी चीजों पे आपको सपोर्ट किया जाएगा। अब है कि इसमें ब्रांडिंग के जो प्रपोजल हैं उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ऑब्वियसली ODOP के लिए, अगर ODOP नहीं होगा तो ब्रांडिंग करना छोटे छोटे यूनिट्स के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन ODOP होगा, क्लस्टर अप्रोच में करेंगे हम लोग, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ऐसा प्लान किया जा सकता है कि एक ब्रांड आपके लिए स्पेशल फोकस करके किया जा सकता है, इसलिए प्रपोजल ODOP के को देखते हुए ही सबमिट होना चाहिए। हालांकि अगर स्टेट एंटिटी है तो इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर गवर्नमेंट अप्रोच कर रही है या स्टेट एंटिटी तो फिर इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा, और साथ में है कि जो एप्लीकेंट है उनको अपना नेटवर्थ जो प्रपोजल का शेयर है उसके इक्विवेलेंट शो करना होगा, होना चाहिए, और जो एप्लीकेंट है वो FPO से होने चाहिए, SHG से होने चाहिए, कोऑपरेटिव या रीजनल स्टेट लेवल SPV, ताकि ये कई सारे प्रोड्यूसर टुगेदर आ सके। SPV का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, अगर आप देखेंगे कि मान लो 5 FPO या 10 FPO मिल के अगर ज्वाइंटली चाहते हैं कि अगर उनको पैक हाउस बनाना है क्योंकि उसका लागत बहुत है, तो वैसे केस में इसलिए बात किया जा रहा है कि स्टेट लेवल पे SPV भी हम लोग ला के ऐसा कर सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं उसको स्केल अप किया जा सके, ताकि एक लगे कि हम लोग इस पे ब्रांडिंग करते हैं तो कल को इसको वाइडर मार्केट में रीच करना है, इसको स्केल अप किया जा सकता है, रॉ मटेरियल आउटसोर्स किए जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा, और ये देखना होगा कि जो मैनेजमेंट है साथ में एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटी है, ये जो प्रमोटर्स हैं, FPO हैं, जो भी एजेंसी साथ आ रहे हैं उनका प्रपोजल में देखा जाएगा, साथ में ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपका टर्नओवर का एवरेज प्रोजेक्ट का 3 ईयर्स है उसके 50% तक ही दिया जाएगा। अब रोल ऑफ स्टेट लेवल टेक्निकल
इंस्टीट्यूट जो है वो हम लोग आगे और भी जो हमारे साथी हैं वो बताएंगे, लेकिन अभी देखेंगे तो आपको प्रिपेयर जैसे स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो आपको पीआईपी प्रेजेंट प्रिपेयर करने में मदद करती है और इनपुट्स प्रोवाइड करती है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, रिसर्च कंपोनेंट के लिए, साथ में ट्रेनिंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब आपको मदद मिलेगा। और ये जो डीआरपी होते हैं हमारे हर जिलों में जो बेसिकली आपको मदद करेंगे, तो उनकी ट्रेनिंग भी आपके जो स्टेट लेवल टेक्निकल यूनिट है इंस्टीट्यूट है वो करवाएंगे। साथ में जो ब्रांडिंग है जो कोर कंपोनेंट देखेंगे ब्रांडिंग मार्केटिंग, तो इनको ये सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइडिंग मॉनिटरिंग सपोर्ट भी डीआरपी को हैंड होल्डिंग में, क्योंकि गाँव आप एक बार डिस्ट्रिक्ट में एफपीओ अप्लाई कर दिया एसएचजी तो फिर उनका स्मूथ सारा कुछ होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कैसा है कि एक स्मूथर एक्सपीरियंस के लिए कह सकते हैं कि यहाँ जो स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट होगी वो आपको हेल्प करेगी। अब आप देखेंगे कि जो स्ट्रेटजी की बात हो रही है, एक मिनट, हाँ, तो सबसे पहला है कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है इसमें डिसेंट्रलाइज करना इम्प्लीमेंटेशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, टास्क फोर्स एक डेडिकेटेड टीम बने जो उसके लिए काम करे और जो बेनिफिशियरी उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और क्वालिटी बिजनेस प्रपोजल आए, क्योंकि अगर एक होता है कि स्कीम है तो सभी अप्लाई कर रहे हैं, ये ना हो के कि वैसे स्कीम आए जो क्योंकि अपग्रेड करना हम लोग को आने वाले 5 साल में, ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी बिजनेस आए जो सस्टेन करे और आने वाले 5 साल में अपग्रेड हो जाए, एक अपना अच्छा ब्रांडिंग वैल्यू चेन पे आके काम कर सके, तो क्वालिटी बिजनेस प्रपोजल आ सके। साथ में उनके लिए समय समय पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए और रिव्यू किया जाए इनके प्रोग्रेस का कि एंटरप्राइज कैसे काम कर रहे हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि कॉमन इंफ्रा बनेगी तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ, जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ टारगेट फिक्स करना, जैसे नबार्ड, एनसीडीसी, जेएसएलपीएस, जिनके एफपीओज हैं, एसएचजीज हैं, तो इनका एक तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनके साथ टारगेट फिक्स किया जाना। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज किया जाना है। सीबीबीओ अभी जो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एफपीओज प्रमोट कर रही हैं, एफपीओज हैं, एग्जिस्टिंग कोऑपरेटिव्स हैं, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स विथ फोकस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे कि जो ये एक कह सकते हैं पीएमएफएमई का एक बड़ा सपोर्ट है कॉमन इंफ्रा के लिए, तो ये सारे एजेंसी का इसमें एक एज अ टास्क फोर्स फोकस करना है ताकि ये सक्सेसफुली आगे बढ़े। और इसमें अभी 88 मॉडल डीपीआर जो है वो माइक्रो इंटरप्राइज के लिए और 23 डीपीआर जो है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं 13 प्रोड्यूसर्स को कवर करते हुए। और एसएनए लेवल इंटरवेंशन में देखेंगे तो इसमें जो है ये है डिजाइनिंग और मॉनिटरिंग करना है जो एक इवोल्यूशन फ्रेमवर्क का, साथ में स्टेट लेवल टास्क फोर्स का गठन करना है और जो मॉडल डीपीआर है वो सभी पॉसिबल ऑप्शंस के साथ देना है इनको और रिव्यू मीटिंग करना है ताकि जो जिलों में प्रोग्रेस हो रही है वो अच्छे से होते रहे। साथ में जो प्रमोशनल एक्टिविटी हो, वर्कशॉप हो, समय समय पे कंडक्ट कराए जाएं और सेमिनार किए जा सकते हैं जो बिजनेस टू बिजनेस जो कंपनियां हैं मशीन सप्लायर्स के साथ, क्योंकि उनका एक बड़ा रोल होता है आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस करने में। साथ में फिजिकल और वर्चुअल भी सपोर्ट डेस्क हो ताकि आपको हेल्प मिलते रहे। और मॉडल डीपीआर जो कॉमन इंफ्रा का है वो पॉसिबल बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ जाए, साथ में स्टेट लेवल सेमिनार है कंपनी जैसे अमूल के साथ, झारखंड में मेधा है, ऐसे करके जो भी आपके स्टेट लेवल कंपनियां उनके साथ सेमिनार हो, और अपीडा के साथ कोलैबोरेशन हो, अपीडा क्योंकि जो आपके प्रोड्यूस एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो फिर अपीडा के साथ भी इसको किया जाना है। और दूसरा है कि जो कंस्टिट्यूट करना है आपके स्टेट लेवल का कमेटी उनके साथ, नबार्ड, एनसीडीसी, ट्राइफेड, इनके साथ भी एसएनए लेवल इंटरवेंशन होगा। तो ये एक ब्रीफ था
आप PMFME स्कीम के बारे में। अब इसमें फिर आपको जो टेक्निकल बातें हैं स्टेटेबल टेक्निकल यूनिट के बारे में और भी हमारे साथ ही बताएंगे। हेलो हेलो, आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये पूछ रहे हैं मेंबर सिमिलर टू SHG है प्लीज क्लियर सीट कैपिटल फॉर FPO। FPO के लिए सीट कैपिटल नहीं है, इनके लिए FPO के लिए सीट कैपिटल नहीं है। FPO को 35% आपको स्कीम का सब्सिडी मिलेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल, मेरा नाम दिनेश है और हम एक्चुअली PMU टीम टेक ऑफ इंडस्ट्रीज में हम लोग जो है PMFME को एनरोल्ड करते हैं। एक तो है कि देखिए हमारे यहाँ पे जो सभी पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी ना किसी FPO से जुड़े हुए हैं। तो एक तो है कि देखिए FPO अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ये होती है इंटेग्रिटी होती है और उनका मकसद जो है एक ये होता है कि जो बॉटम लोग होते हैं जो किसान होते हैं जिनको अपने मतलब समझ लीजिए कि अगर वो किसी भी कमोडिटीज को चाहे वो धान हो गेहूँ हो जो भी अपने अपने जिले में जो भी कमोडिटीज वो बना मतलब उगाते हैं उसको बेचने में वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि झारखंड में उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ PMFME अगर हम ये देखें कि PMFME झारखंड के किसानों के लिए कैसे है और झारखंड के किसानों को जो सुविधा मुहैया कराया जा सकता है उसके लिए FPO किस तरीके से एक बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जो है अपना रोल निभा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये जो है एक मतलब एक समझ लीजिए कि की प्लेयर है FPO। तो FPO के टर्म में जब हम PMFME को देखते हैं तो एक तो है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एलोकेशन हुआ है 10 करोड़ तक का जो है आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट डाल सकते हैं 10 करोड़ तक में जो है आप जो DPR बनाएंगे अगर आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल अगर आप बनाते हैं और उसमें अगर आपको हैंड होल्ड की जरूरत होती है आप किसी एजेंसी से अगर आप DPR बनवाते हैं या खुद से बनाते हैं अगर अच्छी DPR बनाते हैं तो उसमें जो है हम आपको 50,000 रुपये का हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं एडिशनल टू द फ्रॉम द प्रोजेक्ट, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसको छोड़ के हम आपको 50,000 रुपये का एडिशनल सपोर्ट करते हैं आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवाने के लिए। तो ये एक मतलब USP है जो FPO के लिए अवेलेबल है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जब जाते हैं। दूसरा है कि अगर आप ये देखें कि जो इसमें मैक्सिमम सीलिंग है तो अगर आप 10 करोड़ का अगर आप प्रोजेक्ट डालते हैं तो 3 करोड़ का जो आपको सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FPO को देती है। तो ये कुछ एक USP है जो FPO को जो है एक बुनियादी ढांचा जिसको बोल सकते हैं कि डालने में मदद करती है ताकि जो है मतलब FPO को एक तरह से समझिए कि सस्टेनेबिलिटी अगर हम देखें सस्टेनेबल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो FPO से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो वो आप पूछ सकते हैं। दिनेश जी, बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी या फिर राजीव रंजन जी भी बता सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी, अगर हम PMFME स्कीम के रजिस्ट्रेशन का थोड़ा प्रोसेस बता दें वेबसाइट के थ्रू तो आई थिंक वो भी काफी हेल्पफुल होगा लोगों के लिए। ओके, देखिए एक तो है कि
मैम उसको बाय ये बताना है, वेबसाइट के थ्रू बताना है या ऐसे ही बता देना है कि कैसे सर वो हो सकता वेबसाइट है? के थ्रू बता दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यू कैन शेयर योर स्क्रीन और एल्स आई विल शेयर माय स्क्रीन अगर रिक्वायर्ड है तो। हाँ, आप अपना स्क्रीन शेयर कर लेना, वो वेबसाइट के साथ आप कर लें तो। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, इट्स विजिबल। तो जब आप देखेंगे, एक उसमें एक पार्ट है लॉगिन का। जैसे ही आप लॉगिन में जाएंगे मैम, वहाँ तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। हाँ, प्रोसेस हो रहा है। बिल्कुल। इन द मीन टाइम मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि ये जो वेबसाइट अभी हमने खोल रखी है ये मिनिस्ट्री की पीएमएफएमई की वेबसाइट है, pmfme.mofpi.gov.in। इसका लिंक भी मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन या फिर आगे अप्लाई करना है। जी, यहाँ पे एक्चुअली जैसे ही आप जी मैम, पीछे वाले आप ये नहीं चले जाइए, मेन मेन पेज पे। जी अच्छा वाले, तो यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सिलेक्ट द टाइप ऑफ बेनिफिशरी, तो आपको सिलेक्ट ऑफ बेनिफिशरीज में एफपीओ सिलेक्शन करना है। यहाँ पे तीन कैटेगरी आती है, इंडिविजुअल, ग्रुप एप्लीकेशन और एक आता है कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन। तो जनरली एफपीओ जो है वो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन में आता है, या ग्रुप एप्लीकेशन में भी आप कर सकते हो, लेकिन ग्रुप एप्लीकेशन में बिकॉज की फिर वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज जो है वो चेंज हो जाती है, तो आप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन ही अप्लाई करें, क्योंकि एफपीओ जो है वो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आते हैं। और यहाँ पे फिर जो आवेदक होंगे, आवेदक वो होंगे जो आपके प्रेसिडेंट हैं, जो आपके एफपीओ के जो चेयरमैन होते हैं, उनको आपको सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको जो है, हाँ, यहाँ पे एफपीओ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपने एफपीओ का जो चेयरमैन है उनको डालना है। उसके बाद एफपीओ का अगर कोई ईमेल आईडी है उसको आप पुट कर दे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो डाल दे। एड्रेस में आपका जो एफपीओ का जो जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो आप एड्रेस डालते हैं वो एड्रेस डाल दीजिए, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करके उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके कैप्चा में जो भी आपका आएगा वो आप जब डालेंगे फिर यहाँ पे आप रजिस्टर कर दीजिए। तो आप जैसा देख रहे हैं कि अभी रजिस्टर हो गया है, रजिस्टर होने के बाद फिर आपको बहुत सारे पेजेस आएंगे। कोई नहीं मैम, मैं आपको एक ये भेजता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड भेजता हूँ, आप उनसे डाल के उसको आप तो ये कर। ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर आईडी भेजेगा सर? नहीं, हमारा ऑलरेडी, जी ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला ही मैं भेज रहा हूँ मैम आपको। एक मिनट,
ऑल्सो सभी पार्टिसिपेंट्स को, जैसा कि ये पेज दिख रहा है, मैं थोड़ी और जानकारी देना चाहूंगी इस पेज के बारे में. जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड होता है वो आपको यहाँ पे डाल के उसके बाद में आपको लॉगिन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है. अब दूसरी चीज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफी सारी चीजें दी हुई है, जैसे ऑफिशियल्स, स्टेट ऑफिशियल्स की लिस्ट दी हुई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. डिस्ट्रिक्ट नोडल पॉइंट का दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का दिया हुआ है, जो ग्राउंड लेवल पे आपको अपने लोन सैंक्शन करने में हेल्प करेगा, और एज अ मीडिएटर होगा. आपकी आपके जितने भी इश्यूज हैं, डीआरपी आपको फुल सपोर्ट देता है. तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो डीआरपी है, जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, वो कौन है, उसका क्या नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. इवन स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जो एसपीएमयू टीम है, जिससे आज हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं दिनेश जी, उनका भी आपका आपको अगर इन केस आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी कोई क्वेरी रिजोल्व नहीं हो पा रही है, आपको स्टेट लेवल पे जाना है, तो फिर आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो यहाँ से अवेल कर सकते हैं. इन केस अगर आपकी क्वेरी कहीं पे भी रिजोल्व नहीं हो रही है, तो आप ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं. इसको मैं चैट बॉक्स में भी डाल दूंगी. इस हेल्पलाइन नंबर, ये पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर है पीएमएफएमई का. इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी है या फिर जो भी इशू है, आप वो इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है. मैंने हेल्पलाइन नंबर डाल दिया चैट बॉक्स में, आप नोट कर लीजिएगा. जी, तो जैसा देखिए, ये एक एसटीसी का एप्लीकेशन है जो कि आपके टैब में खुल चुका है. जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये आएगा आपका. उसके बाद आपको जाना है एफटीसी एप्लीकेशन में, जो थर्ड थर्ड जो एप्लीकेशन है, एफटीसी एप्लीकेशन, वहाँ पे जाना है. वहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिखेंगी कि आपके एफटीसी का नाम क्या है, पीओ का नाम क्या है, उनका प्रमोटिंग है, इंस्टीट्यूट कौन सा है. जैसे अभी अभी जो आपके करंट में जो अभी चल रहे हैं वो नबार्ड प्रमोटेड है, सीबीपीओ के लिए अगर देखा जाए तो एनटीडीसी प्रमोटेड है, एसएफएससी प्रमोटेड है. तो इस तरीके से आपको अपना वो डालना होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर एसपीओ है वो प्रमोटेड किस ये पे है. उसके बाद आपको जो है आपको ये देखना है, ये चीजें आप देख लीजिए, जो टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल. जैसे देखिए, एफपीओ के पास अगर हम देखें तो एक बहुत आज के डेट में अगर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए ये बोलेंगे कि सर हमें जो है ऑयल मिल लगाना है, ऑयल मिल लगाना है, और आप बोल रहे हो कि हमें हर दिन जो है हम चाहते हैं कि हम लगभग 2000 जो है लीटर जो है हमको तेल ये करना है, एक्सट्रैक्ट करना है. तो आपसे आपसे एसपीएमयू की टीम या फिर आपके जो डीआरपीज हैं या जो टेक्निकल लोग हैं वो आपसे पूछेंगे कि भाई आप जो 2000 लीटर तेल बनाओगे उसके लिए आपके पास 6000 की कैपेसिटी वाली स्टोरेज सिस्टम है क्या. तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है वो अवेल करनी पड़ेगी. उसके लिए हम अभी आपको और भी जानकारी देंगे कि कैसे गवर्नमेंट की और भी जो है प्राइमरी ये स्कीम्स चल रही हैं जिसके थ्रू आप वो कर सकते हो. तो ये तो है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप देख लो, आप जो आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख लो. उसके बाद ये सेल्फ ग्रेडेशन ऑफ एफटीसी में हमेशा आप क्लास ए लिखो, या क्लास ए जो है वो डेफिनेशन ये देता है कि आपकी जो एफपीओ है उसके पास आपका शेयर होल्डर अच्छे हैं,
आपके पास शेयर कैपिटल अच्छा है, आपके पास कॉर्पस अच्छा है, और आपके पास बिजनेस प्लान जो है वो आप अच्छा बना बनाए हुए हैं। बाकी ये सारी डिटेल्स जो है आपको पता ही है कि आपको जो है इसमें जो की पर्सन है चेयरमैन जो है आपके, उनकी जो है डिटेल्स इसमें डालनी रहेगी। उसके बाद आपको डिटेल देना होगा कि आपकी जो लोग हैं, आपके जो किसान हैं वो कैसे किसान है, स्मॉल फार्मर्स हैं जो है, उसमें 2 हेक्टेयर मतलब 2 हेक्टेयर इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो एकड़ में आप जब कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको वो आ जाएगा। तो उस अनुसार से आपको देना है कि आपके पास जैसे मान लीजिए 500 किसान का आपका एफपीओ है, उसमें से छोटे किसान आपके पास कितने हैं, बड़े किसान आपके पास कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ फार्मर कितने हैं आपके पास, है ना, ये दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो जो प्रमोट करते हैं, तो उसका डिटेल आप भर देंगे। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, उसके बाद आपको एफटीसी का पंजीकरण संख्या डालना है, यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन डेट डालना है, पैन नंबर डालना है, फसाई का सर्टिफिकेट का लाइसेंस नंबर डालना है। ये सब चीज़ें इसीलिए मांगी जा रही हैं क्योंकि जो मान लीजिए आपका 1 साल का ऑडिटेड अगर आप हो गए हैं, आपका बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर हो गया है, तो आप एफपीओ एज ए एफपीओ आपको ये सारी चीज़ें जो है जरूरी होती हैं आपको किसी भी प्रोसेसिंग के लिए, तो ये आपको एप्लीकेशन डाल के उसका प्रोसेस वाला कम से कम आप इसमें नंबर डाल के जो है अभी कर सकते हैं। उद्यम आधार आपको पता ही है जो है ये आज के डेट में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है किसी भी एफपीओ के लिए। बाकी यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल डालना है, जैसे हर मेंबर से आप कितना शेयर कैपिटल अर्न किए हो, तो 500 अगर किसान है तो आपके पास 5 लाख जो है शेयर कैपिटल है उसका देना है। रिजर्व में आपने कुछ रखा हुआ है, जैसे रिजर्व में अगर आपने कुछ रिजर्व देखा जाए तो आपके पास जो भी अगर किसी को देनदारी है या कुछ ऐसा कर्ज ले रखा है तो वो सब डिटेल आपको देनी होगी। तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस अगर आपके पास है अगर ऑडिटेड में तो आप डालिए, नहीं तो वहाँ पे 0 डाल दीजिए। बाकी आप जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपके ब्रांच में सर्विस में जो आप एफपीओ अभी रन कर रहे हैं, जो बैंक आपके लिए अवेलेबल है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल दीजिए। सेकेंड पेज उसके बाद यहाँ पे ऐड करने के बाद आप जो है सेव एंड प्रोसेस करेंगे तो आपके पास दूसरा पेज खुल जाएगा। मैम थोड़ा ऊपर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ जाइए जी। एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान, तो देखिए एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान, क्योंकि अगर आपकी एफपीओ कोई बिजनेस कर रही होती है, अगर मान लीजिए आपकी कोई एग्जिस्टिंग एफपीओ है जो 2 साल 3 साल 5 साल पुराने हैं और वो कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने अपना सब्जी का ही व्यवसाय किया है या दूध का ही व्यवसाय किया है, तो किसी भी तरह का जो व्यवसाय किया है तो ही आप इसको इंटर करें, अन्यथा इसको इंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पीएमएफएमई में एग्जिस्टिंग आपकी एग्जिस्टिंग की अगर आप जैसे ही बात करेंगे फिर आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस आ जाते हैं। ये कंप्लायंसेस आप जो है मतलब ये 3 साल 5 साल का आपको कंप्लायंसेस को फुलफिल करना होगा। और चूंकि हमारे यहाँ पे जो प्रोसेसिंग के लोग हैं जो एफपीओ में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो बहुत ऐसे कम ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत कम ऐसे एफपीओ हैं जो एफपीओ में प्रोसेसिंग कर रहे हैं हमारे झारखंड में, तो ये एग्जिस्टिंग यूनिट की आप ना ही सिलेक्ट करें तो बेटर है। आप जो है थर्ड पेज में चले जाएं जहाँ पे आपको ये दिखेगा न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे मतलब ये समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 साल का आपको ऑडिटेड जो आपके पास टर्नओवर का सेल्स वैल्यू है, रेवेन्यू वाला है, वो आपको डालना रहेगा इसमें कि आपने जो है कितना आपका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, आपका पर डे का जो है कितना क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो उसमें अमाउंट में आपको लिखना पड़ेगा। फिर उत्पाद का नाम लिखना है इसमें 3 साल का आपको, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए पोटैटो लिखे प्रोडक्ट नेम में, अगर हम आलू लिखे हैं तो 3 साल में आपने क्या बिजनेस किया है, कितना कितना आपका जो है ऑडिटेड बैलेंस में आपने क्या क्या जो है दिखाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो आपको दिखाना है। फिर आपका नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे देनदारी देने के बाद,
जो भी आपका नेट प्रॉफिट होता है, सारे देनदारी देने के बाद जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ वो आपको 3 साल का वहाँ पे डालने हैं। और अगर करंट इन्वेस्टमेंट ऐसा पूछ रहा है कि करंट इन्वेस्टमेंट में आपने प्लांट और मशीनरीज में बिलो 1 करोड़ जो है एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि आप जो है 1 करोड़ से अगर 1 करोड़ तक का अगर आपने प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 3 साल में आपने क्या क्या किया हुआ है वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद टोटल मैन पावर आपके कितने लगे हुए हैं एग्जिस्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है टोटल मैन पावर कितने लगे हैं, 5 लगे हैं। हमेशा याद रखिएगा 10 से नीचे आपको इसमें जो है शो करना है, क्योंकि आप जैसे ही 10 से ऊपर आप चले जाते हो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट लॉ में आप चले जाते हो जहाँ पे आपको पीएफ देना मैंडेटरी हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखो कि आपको पीएमएफ जो एफपीओ है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है 10 से ऊपर आप रखोगे तो कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने कहीं पे लोन ले रखा है तो उसकी जानकारी देनी है कि आपने कहाँ से लोन ले रखा है, किस तरह से लोन ले रखा है, उसकी स्थिति क्या है, अभी चल रही है या आप बैंकरप्ट हो चुके हो, या मतलब वो सारा उसमें आपको देना है। ये है जहाँ पे आपको बहुत ही क्रिटिकल है ये प्रपोज न्यू अपग्रेडेशन प्लान, ये बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे झारखंड में मैंने अभी तक जितने भी एफ पी ओ से बात करी है मैक्सिमम एफ पी ओ यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि उनको एग्जिस्टिंग में तो वो है नहीं लेकिन न्यू में उनको जो है डेटा फीड करने में दिक्कत होती है। तो एक तो है कि आपको अपने बिजनेस का हमेशा एक छोटा सा ब्रीफ डालना है इसमें कि आप जो है किस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, या अगर आप आलू ही अगर संग्रहित कर रहे थे अभी तक लेकिन आप उसको आप प्रोसेसिंग में चिप बनाना चाहते हैं या कुछ और उसका करना चाहते हैं तो इसमें ब्रीफ में आपको लिखना होगा। उसके बाद आप जो है कितना जो है आपका यहाँ पे जो है किस तरीके का प्रोडक्ट आप वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, मैम ये क्लासिफिकेशन वाले में आप क्लिक करें प्लीज। नहीं ऊपर 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 में सेकंड पॉइंट जी ये वाला मैम वो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया ना, प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू। हाँ तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि फार्म इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन है, फार्म प्रोड्यूस ट्रेडिंग है, तो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आपको थर्ड रो सेलेक्ट करना है फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, क्योंकि आप जो भी आप करेंगे वो एक नया प्रोडक्ट होगा तो वो फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। तो जब आप ये सेलेक्ट करेंगे मैम उसको सिलेक्ट कर सकती है कोई दिक्कत नीचे थर्ड पॉइंट। उसके बाद आपको यहाँ पे भी आपको वो सारी डिटेल्स डालनी है, एफपीओ से रिलेटेड डिटेल्स डालनी है जहाँ पे आप जो है सारी चीजें करने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है ओडीओपी प्रोड्यूस जो है प्रोडक्ट को आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई है जैसा राजीव जी बता रहे थे कि हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में पेड़ा पे नहीं प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो वहां पे नो कर, वहां पे आप नो करेंगे, नो सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां पे जो है आपको आएगा कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रपोज्ड यूनिट। जैसे आप यहाँ पे देखिए जैसे होता है बहुत लोग लीज पे जमीन लेते हैं, बहुत सारे ओन रहते हैं, बहुत सारे रेंटेड रहते हैं, तो ये तीनों में अपने अपने कंप्लायंसेस हैं, तीनों में अपने अपने कंप्लायंसेस इन टर्म्स ऑफ, जैसे अगर ओन है तो आपको जो है 30% ही पूरे प्रोजेक्ट का 30% ही आपको सिविल कंस्ट्रक्शन का पैसा मिलेगा, ये याद रखिएगा कि आपका अगर मान लीजिए 1 करोड़ का आपने बिजनेस प्लान बनाया है तो 30% ही उसमें आपको जो है जो बचा हुआ पैसा है, जैसे 35% जो है आपका सब्सिडी हो गया, 10% आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, बाकी जो बचा हुआ उसमें ही आपको जो है
उसका 30% ही आपको जो है बैंक जो है आपको पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30% ही आपको जो है सिविल कंस्ट्रक्शन में पैसा देगी। तो ज्यादा पैसा आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तो है एमएसएमई का जो माइक्रो डेफिनेशन है उस पर हम ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। हमारा जो मेजर खर्चा है वो प्लांट एंड मशीनरीज पे है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये दोनों में से आप जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप सिलेक्ट करें। अगर न्यू है तो न्यू में डालना है। उसके बाद आपको डालना है कि जो आपको आप क्या प्रोड्यूस प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे कि पोटैटो चिप्स बना रहे हैं, पोटैटो का जो है ये आप उसका लिप्स बना रहे हैं या कुछ ऐसा जो भी आपको लगे वो आप जो है वहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये नहीं देना है, आपको जो है स्पेस नहीं देना है, सारा एक ही पॉइंट एक ही इसमें लेता है। ये वेबसाइट थोड़ा सा ये इंक्रिप्टेड है तो इसमें स्पेस कोमा ये सब थोड़ा कम चलता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने प्रपोज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एफपीओ आपने प्रति दिन का लिखा है 250 केजी आप आलू का जो है चिप्स बनाएंगे, तो आप जो है चिप्स का जो रेट होगा लोकल मार्केट में अगर 10 रुपए है पैकेट, तो आप उसके कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो है लगभग 2500 जो आएगा वो आपको लिखना है राशि में 10 केजी का अगर आप कर रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी 250 केजी में अगर आप 10 रुपए का ये कर रहे हैं तो उस अनुसार से आपको कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। आपको सारी चीजें कैलकुलेशन करके ही आपको इसमें डालना है कि आप जो है कितना हर दिन में आप कितना कमाओगे, तो 2500 रुपया वहां डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना देना है कि प्रपोज प्रोडक्ट नेम, आप जो प्रोडक्ट नेम आप डालो ये करोगे उसका आपको पूरा उत्पादन जो है उसका डिस्क्रिप्शन में देना है कि अगर प्रपोज प्रोडक्ट नेम आपने चिप्स का डाला है तो उसका कितना आप करोगे। फिर इसमें ऐड आ जाएगा कि आप फिर पोटैटो का कुछ और बनाना चाहते हो तो फिर उसका आपको अलग से देना होगा। तो ऐसे करके आप तीन चार कमोडिटीज का अलग अलग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। उसके बाद इसमें जो है आपको ये देना है कि आप टोटल जो है आपको लेबर आप कितना इंगेज करोगे, 7 करोगे, 10 करोगे, 8 करोगे, 5 करोगे, इस तरीके से आपको देना होगा। फिर यहाँ पे मशीनरी का जो नाम है कोटेशन जो आप जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे उस टाइम कोटेशन जो मोबिलाइज करोगे वो कोटेशन आपको यहाँ पे बिना है स्पेस दिए डालना है। जैसे यहाँ पे ड्राइंग मशीन, हाँ इस तरीके से लिखना है, आपको स्पेस नहीं देना है नहीं तो वो फिर नहीं लेगा। जब आप ऐड करोगे मान लीजिए आप इसमें 25,000 ऐड कीजिए, यहाँ पे क्वान्टिटी 1 डालिए जी, एक डालिए जी यहाँ पे, अभी ये स्पेस हटा स्पेस दे दीजिए मैम, ड्राइंग मशीन के बीच में स्पेस दे दीजिए जी। अब देखिए यहाँ पे आ गया प्लीज इंटर करेक्ट मशीनरी नेम, तो ये मशीनरी नेम आपका लेगा ही नहीं अगर आप स्पेस दे दिए तो। अब जैसे ही स्पेस हटाएंगे तो ये देखिए ये ले लिया, अब आप ऐड कर सकते हैं, ऐड में आ जाइए मैम। ये कॉर्नर में जो ऐड है ना, हाँ वहाँ पे जी वहाँ पे एक डाल दीजिए जी, तो वहाँ पे ऐड कीजिए तो ये ऐड हो गया। अगर आप जैसे ही वहाँ पे अगर आप वहाँ पे स्पेस दीजिएगा तो ये ऐड की ऑप्शन आएगी ही नहीं, वो ऐड होगा ही नहीं। तो ये जैसे आप देखें ना मशीनरी में जब भी आप नाम डालेंगे वहाँ बिना स्पेस का डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे टोटल सेल्स टू बी जनरेटेड इन ए ईयर, तो आपको हर दिन के हिसाब से आपको ये देखना है कि आप कितने दिन मशीन चलाओगे, 30 दिन तो मशीन चलेगी नहीं। तो यही ये क्वालिटीज है एफपीओ के लिए कि आपको हमेशा 25 दिन 24 दिन ऐसे करके आपको देखना है कि आप जो है किस मान लीजिए पर्टिकुलर अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की बात करें तो वो प्रोडक्ट का डिमांड जो है, अगर हम चिप्स की बात करें तो हो सकता है कि
जब वो शादी का मौसम होता है, शादी का जो सीजन होता है उसपे ज्यादा डिमांड होता है, जब आप किसी पूजा फंक्शन होता है उसमें डिमांड ज्यादा होता है, बरसात के दिनों में जो है उसकी लाइफ जो होती है सेल्फ लाइफ सेल्फ की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तो उस टाइम पे आपको वो सारी चीजें ध्यान रखनी है कि आपको किस महीने में कम प्रोडक्शन करना है, किस मौसम में आपको ज्यादा वैल्यू जो है सेल्स होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि आप जो है एक साल में आप जो प्रोडक्शन करोगे आपका सेल्स जो है किस किस महीने में ज्यादा होगा, किस किस महीने में कम होगा, और उसकी कुल बिक्री जो है उसी हिसाब से निकाल के आपको यहाँ पे डालना है। तो ये आ जाएगा आपको आपके बिजनेस प्लान के अनुसार से। फिर आपको जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रपोज टोटल क्वांटिटी सोल्ड इन ए ईयर। तो आपको जो है यहाँ पे लिखना है कि आप किस ये में कर रहे हो, कोई मेजर जो यूनिट्स होते हैं केजी में है, लीटर में है, मेट्रिक टन में है, तो इस तरीके से आपको देखना है। और फिर बेची गई कुल मात्रा, तो हमेशा याद रखिएगा जब आप यहाँ पे मेट्रिक टन लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा उस तरीके से ही कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ अगर लीटर लिख रहे हैं, जैसे कोई ऑयल फील्ड से अगर मस्टर्ड ऑयल बना रहे हैं तो वहाँ पे लीटर में आएगा, इस तरीके से जो है चीजें आएंगी। प्रपोज नेट प्रॉफिट इन ईयर, तो देखिए प्रॉफिट हमेशा लोग जो है ना हाइपोथेटिकल जाल देते हैं कि बैंक को ये लगेगा कि मेरा जो है नेट प्रॉफिट, जैसा मैं अभी डे टू डे में देख रहा हूँ, अभी जस्ट रिसेंटली मैंने ये देखा था कि जब एक ग्रुप एप्लीकेशन आया मेरे पास, उन्होंने ये किया हुआ था कि मैं सर 200 केजी पर डे के अनुसार से जो है ये बनाऊंगी बनाऊंगी क्या कहते हैं फ्लोर विथ फ्लोर बेचूंगी 200 केजी पर डे। तो मैंने जब उसका बिजनेस प्लान देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं 4 लाख का जो है ये करूंगी अर्न करूंगी नेट प्रॉफिट। तो मैं उसी के साथ बैठा और मैंने उनका पूरा कॉलम देखा, मैंने उनसे बात करी कि आप जो ये 4 लाख लिखे हो आप ये एग्जैक्ट फिगर कैसे आएगा, सबसे पहले कि आप ये 4 लाख लिख रहे हो ये 4 लाख तो आएगा नहीं। तो मैंने फिर उनके साथ बैठा, उनके साथ जो है मैंने सबसे पहले तो उनका जो कैलकुलेशन होता है कि आपका आमदनी जो आपका सेल्स होगा उसको अलग रखिए, लेकिन आपकी जो देनदारी होगी जैसे आप लेबर लेबर रखोगे, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, आपकी बिजली की खपत होगी, आपके मशीनरी में जो डिफॉल्ट आएगा उसमें जो आप मिसलेनियस खर्चा है उसका मेंटेनेंस का खर्चा है। तो जब मैंने उसका एक महीने का कॉस्ट निकाला तो इसका जो कॉस्ट आया 200 केजी का वो 1,76,820 रुपये समथिंग का आया, उसकी जो देनदारी थी, और जो उसकी सेल्स वैल्यू थी वो 1,92,000 समथिंग का आया। तो अब आप देखिए कि जो 1,92,000 में जब आप 1,76,000 घटाएंगे तो आपका कुछ 15,000 समथिंग आएगा जो उसकी नेट प्रॉफिट हुई उस पर्टिकुलर ग्रुप की। तो 15,000 इंटू अगर आप जो है 12 करेंगे तो कितना मुश्किल से हमको लगता है कि 1-2 लाख समथिंग आएगा। एक लाख 80,000 आया उसका नेट प्रॉफिट। तो मैं उस चीजों को इसीलिए एफपीओ में बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए इतनी डिटेल्ड में बता रहा हूँ कि जब भी आप ये देखेंगे कि प्रपोज नेट प्रॉफिट आपको तभी आप डालेंगे जब आपका सारी देनदारी देने के बाद जो आपका नेट पैसा जो आपके हाथ पे आएगा, सारे सारे जो आपके ड्यूज होंगे, जो आपके खर्चे होंगे, वो सारा देने के बाद जो आपका पैसा हाथ में बचेगा वही आपका नेट प्रॉफिट होगा। इवन आपका 2 लाख ही क्यों ना नेट प्रॉफिट हो वो आपको देखना है कि आपकी जो मशीनरीज होंगी, जैसे अभी मैं झारखंड के टर्म में अगर सोचूं तो यहाँ पे लोग 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक जो है सोच सकते हैं मशीनरीज को लेने के लिए एफपीओ लेवल पे। तो आप जो है नेट प्रॉफिट उनको 1 करोड़ दिखा दीजिएगा, लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ होगा तो
बैंक जो आपसे सवाल पूछेगी कि जब आपका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ होगा तो आपको 60 लाख रुपए में 1 साल में घुमा दोगे, तो फिर आपका जो है आप जो है फिर आप आपके लिए लोन, तो मैं आपको 1 साल के लिए लोन क्यों दूं? क्योंकि देखिए देनदारी हमेशा जो है बैड असेट होता है, वो हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो जब आपसे ये टर्मिनोलॉजी जब आप बैंक के पास जाओगे, आपको लगता है कि नेट प्रॉफिट हम 1 करोड़ डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, आप नेट प्रॉफिट हमेशा कम दिखाओ, क्योंकि नेट प्रॉफिट शुरू के 3 साल 4 साल 5 साल में जो है वो कम आएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपकी मशीन या बिजनेस जब आपका एक बार स्टेबल हो जाएगी तो आप फिर नेट प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि आपकी जो मशीनरीज होंगी, आपका जो सिविल कॉस्ट होगा, आपका जो भी हाँ ये दोनों ही हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो दोनों आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इन द सेंस कि आपको आपको अपने यूनिट चलाने के लिए कुछ एक जो है शुरुआती दौर में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक आपको ये वर्किंग कैपिटल पीएमएसएमई में हमने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है बैंक के लेवल पे। अगर आपने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल अगर बैंक से मांगा है कि सर मेरा मेरा वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 40 लाख का है और हम चाहते हैं कि 10 लाख जो है वर्किंग कैपिटल हमको बैंक दे दे, तो हमें एक शुरुआती दौर में जो हमें एक हेल्प होती है वो हमें मिल जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल ये बैंक के ऊपर है कि वो बैंक जो है ना इस पे आपको जो है वो ये बैंक के ऊपर है कि वो 10 लाख रुपए जो है वो सेंक्शन करेगी या नहीं करेगी। अगर उनको लगता है कि आपका बिजनेस प्रपोजल बहुत अच्छा है, उनको पसंद आ गई, तो वो वर्किंग कैपिटल हो सकता है आप 10 लाख मांग रहे हो तो 8 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, वो उसका इंटरेस्ट वो अलग से जोड़ेंगे। लेकिन जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो वर्किंग हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे देंगे, प्लांट एंड मशीनरीज पे। तो ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आता है कि आप जो है कंट्रीब्यूशन कितना देना चाहते हैं। तो देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कैपिटल मिनिमम 10% आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको आप अपने लेवल पे देख सकते हैं कि आप जो है कितना देना चाहते हैं, क्योंकि 10% अगर आप यहाँ पे देंगे तो जो है आपका देखिए एक मार्जिन मनी भी है। अगर आप मान लीजिए कि 10 लाख मांग रहे हैं तो 2 लाख रुपए जो है आपको बैंक में देना पड़ेगा, जो 20% है आपको अपना अंशदान। फिर आपको लैंडिंग बैंक में आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है, फिर बैंक का पूरा डिटेल आ जाएगा इसमें। इसके बाद जो है फिर आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, तो देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, एक है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट जो नीचे है। ये सारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे ये आपके पास है तो भी सही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डालने होंगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको ये सारे कंप्लायंसेस हैं, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन होगा एसपीएमयू से, सेनेट से। या फिर अगर इसमें एक और अपडेट है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख से ऊपर है तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोपिक के द्वारा स्क्रूटनी होगा और वो बैंक को डायरेक्ट भेजा जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख से नीचे है तो वो एसएनए से यही झारखंड से हो जाएगा। बाकी जो है आपको ये देखना है कि आपकी बिजनेस प्लान किस तरीके से रहती है। तो ये एक पूरा ब्रीफ है जो एफपीओ एप्लीकेशन में आपको डालनी रहेगी। थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर एक्सप्लेनिंग द वेबसाइट एंड और पीएमएफएमई का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा बताने के लिए। ऑल्दो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे या फिर आपको लग रहा है कि आपको पीएमएफएमई के लिए अप्लाई करना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन से जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वो लोग आपको पूरी मदद करेंगे। आपको अगर फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है या आप खुद से नहीं फिल कर पा रहे तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे और पूरा सपोर्ट देंगे। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो डीआरपी है आपके पीएमएफएमई के लिए उनको संपर्क करके उनकी सहायता जरूर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पे। किसी का भी कोई सवाल है तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे
हाथ का निशान आ रहा होगा, साइन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। जी, किसी ने हैंड रेस कर रखा है। आईडी है GKSPCL। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछे। हमारे चैट बॉक्स में अनीश कुमार जी का सवाल है, विच डिपार्टमेंट इज SNA फॉर झारखंड स्टेट? कौन सा डिपार्टमेंट स्टेट नोडल एजेंसी है झारखंड स्टेट के लिए? एक्चुअली ये जो PMFME है, अभी डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो पूरे झारखंड में अभी हैंड रोल कर रहे हैं। आई होप अनिश जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट से, जितने भी FPO CBBOs FPCs हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछें, अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में यस भी लिखेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, आप खुद से अपना सवाल हमारे स्पीकर या SPMU टीम से पूछ सकते हैं। जी, रोहित प्रसाद यादव जी ने अपना हैंड रेस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए सर और अपना सवाल पूछिए। जी कंपनी लिमिटेड। हेलो जी रोहित जी बताइए। तो मैडम, इस तरह काम का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास है, इसका अगर ट्रेनिंग चाहिए तो कैसे मिलेगा मैडम? पर्टिकुलरली किस चीज के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, चिप्स मेकिंग मैडम, किसको लेके? चिप्स मेकिंग के लिए, मतलब चिप्स पैकेटिंग के लिए। SPMU टीम और स्पीकर, अगर आप लोगों के कोई इंफॉर्मेशन है तो देखिए, प्लीज। सबसे पहली बात तो हमारा ये है, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप FPO से हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, आपके पास शेयर होल्डर है। तो आपको सबसे पहले तो आपको यूनिट स्टेब्लिश करनी है, तो ये आपका अपना बिजनेस प्लान होना चाहिए। रही बात ट्रेनिंग ट्रेनिंग्स की, तो जब आपका यूनिट आपके आपके पर्टिकुलर एफपीओ में जब लग जाता है, तो हमारे पास जो SNTI है, स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से या फिर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, KBK से और ST से, जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो आपके पर्टिकुलर जो है आपके यूनिट्स में विजिट करते हैं और आपको जो है पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो है आपका चिप्स का जो है किस तरह की का क्वालिटी होना चाहिए, किस तरीके से उसका ब्रांडिंग होना मैं चाहिए, किस तरीके से सर मैं इसमें होना थोड़ा सा चाहिए। ऐड ऑन करना चाहूंगी। रोहित जी, जैसा कि आपने सवाल पूछा कि आपको ऐसे किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है बट आप करना चाहते हैं, अगर आप फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड किसी भी फूड को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो मैं एक बार चैट बॉक्स में ना आपको लिंक दूंगी दो वेबसाइट के। ये हमारे निफ्टम संस्थान जो मिनिस्ट्री के अंडर आता है, PMFME स्कीम में जितने भी ODOPs हैं सबके लिए हमने कुछ मॉड्यूल्स बनाए हैं जो कि हैंडबुक या फिर वीडियो फॉर्म में है, DPR भी है, PPTs भी है, इन सब फॉर्म में है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको पोटैटो चिप्स का देखना है
तो उसका भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या प्रोसेस होता है और इसमें बेसिक क्या मशीनरी लगती है, ठीक है। और उसके अलावा आप एक बार वो तो देखिएगा, उसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आपके आसपास अगर ऐसी कोई फैक्ट्री या फिर ऐसी कोई मशीनरी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको जरूर एक बार विजिट कीजिएगा। वहां से आप ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो डीआरपी के साथ बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली पहले ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि आपको क्या प्रोसेस करना है और उसको प्रोसेस करने का क्या तरीका होता है। अब प्रोसेसिंग में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास रॉ मटेरियल आएगा कि नहीं, कहाँ से आएगा, आपके आसपास की ऐसी जगह है जहां से आप बड़े स्केल पे या फिर जितने भी स्केल का प्लांट डाल रहे हैं उस लेवल का आपके पास रॉ मटेरियल आ सके। फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप टोमेटो चिप्स की बात कर रहे हैं तो आपको आलू खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो आलू या तो आपके आसपास पैदावार होनी चाहिए, वो या तो उसकी वहां पे ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा प्रोडक्ट ले लो जिसकी किल्लत हो रही है आपके एरिया में, ठीक है। तो फिर आपको दूर से मंगवाना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट एक अलग आपको लगेगी। तो आपको ऐसा कोई चीज देखना है जो आपके आसपास हो। दूसरा आपको फिर देखना है कि उसके लिए आपको क्या क्या मशीनरी चाहिए और उसका क्या प्रोसेस होता है। उसका पहले क्लीनिंग होता है, ग्रेडिंग सॉर्टिंग होता है, उसके बाद में उसकी कटिंग स्लाइसिंग, वो जितनी भी चीजें मशीनरी है वो आपको पता करनी है। और उसके बाद में उसकी पैकेजिंग कैसे होती है, पैकेजिंग मटेरियल एज पर FSSAI पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज करना चाहिए, आपके आपको FSSAI लाइसेंस भी आई होप आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, वो आपके टर्न ओवर पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें जब आप कर लेंगे ना, एक बार आप पता कर लेंगे ये सब चीजें, उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एक बार PMFMA के लिए अप्लाई कर देंगे, जो हमारे स्पीकर बता रहे हैं कि स्टेट लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है झारखंड में, तो वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर KVK जो है वो आपको गाइड करेंगे फर्दर कि आपको क्या करना चाहिए, आपके प्लांट में किस चीज की कमी है या आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पहले कलेक्ट करनी है, उसके बाद ही चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो मैं दोनों साइड जो मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे ये सारा मटेरियल है, वीडियोस वगैरह हैं काफी सारे, आप उसमें जरूर देखिएगा, वहां से आप इस पोटैटो चिप्स या किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या मशीनरी चाहिए होती है, हैंडबुक और वीडियो, दो चीजें मैं रिकमेंड करूंगी कि दो चीजें आप देखिएगा उसको। वो आपको अलग अलग भाषा में भी मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी और या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज, उन सब में भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसको सिलेक्ट करके आप उसको देखेगा, ठीक है। ठीक ठीक जी, थैंक यू। नेक्स्ट सूरज जी ने हैंड रेस कर रखा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। जी मैम, जेनामोड बोकारो से बोल रहा हूँ मैम। मैम यहाँ फरवरी महीने में कैंप लगा था PMFME का, सुन पा रहे? जी जी सुन पा रहे हैं जी, बताइए। मैम इसमें 35 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया था, तो ये जो एप्लीकेशन है इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे, ये ट्रैक कैसे हो पाएगा या फिर उनका स्टेटस क्या है, कैसे जान पाएंगे? आपके पास एप्लीकेशन नंबर है? एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन एक्चुअली मैम सबमिट हुआ था, उसके बाद शायद जो सर लोग आए थे वो एप्लीकेशन लेके चले गए थे। नहीं, आपके आपने एप्लीकेशन फिल किया तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा ना कोई? मैम मेरे पास तो अभी फिलहाल इतनी जानकारी उपलब्ध है कि 35 एप्लीकेशन मतलब अप्लाई हुआ था जिसमें से उनका अभी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस PMU टीम से, अगर कोई अगर आपके लेवल पे कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ है या फिर ऐसे एप्लीकेशन आई है तो प्लीज गाइड सूरज। एक तो है देखिए सूरज जी की सबसे पहली जानकारी तो मुझे ये चाहिए थी कि आपने जो एप्लीकेशन डाला था 35 एप्लीकेशन, वो किसके थ्रू डाला था, अपने से डाला था, DRP के थ्रू डाला था? सर यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था,
जी वो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था वहाँ पे भी आप जो एप्लीकेशन डाले होंगे तो जी सर, किस 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 माध्यम से डाले थे? DRPs के माध्यम से डाले थे या अपने माध्यम से डाले थे? नहीं ये CVBO प्रधान जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज करवाए थे, उनके माध्यम से गया था ये। तो ये 35 और 35 एप्लीकेशन जो आपने डलवाया था वो किस चीज का था? ठीक ये सर सब अलग अलग चीजों के लिए था, कुछ तेल का है, तो जो एक तेल लग। जी देखिए आप, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है, CSS जो है, वो अभी दो तीन तरीके की चल रही है। हो सकता है आपने PMEGP के जो है उसमें अप्लाई किया होगा, क्योंकि PMFME में जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे SPME की टीम से जो है वो ट्रैक होती है, लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वो चली जाती है बैंक के पास। एक तो है कि जब DRP अप्लाई करता है तो वो जाता है सबसे पहले GMDIC को, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज होती है वो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करती है कि आपकी एप्लीकेशन सच में वायबल है या आपने ऐसे ही अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो वहां पे अगर उनको लगता है कि सुटेबल है तो वो वहां से जो है प्रोसेस कर देते हैं, बैंक को भेज देते हैं। अगर वो उनको लगता है कि अगर प्रोसेस मतलब आपके एप्लीकेशन में उतना अवेलेबिलिटी नहीं है, वो उतना बिजनेस जो है वायबल नहीं है, तो वो जो है वहां से रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस लेवल पे अगर आपकी जो आप बता रहे हैं तो इसके लिए कि आप DRP से कांटेक्ट करें, आप नंबर लिख सकते हैं हमारे DRP का, इनका नंबर है 90655। बोकारो जी सर, के नहीं जो DRP है उनका नंबर पहले नोट करें, जी नाइन सर। जीरो सिक्स डबल फाइव टू जी सर, जीरो नाइन ट्रिपल जीरो थ्री सिक्स डबल फाइव 55 20 333। 2033। इनका नाम है किशोर रजक, इनसे आप स्टेटस ले सकते ओके सर। हैं। ठीक है, और जो है आपके टर्मिनल जो है आप उसपे आप एक्ट कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की क्या स्टेटस है। थैंक यू। थैंक ओके, थैंक यू सर। यू सूरज जी। नेक्स्ट सवाल लेने से पहले काफी लोग पूछ रहे हैं कि जो जो भी लिंक की मैं बात कर रही हूँ वो कहाँ पे है, तो मैं आप सबको एक बार पहले वो दिखा देती हूँ। देखिए जो दो लिंक की मैं बात कर रही हूँ वो आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो निफ्टम कुंडली की वेबसाइट पे और एक निफ्टम थंजावुर की वेबसाइट पे। पहले मैं आपको निफ्टम कुंडली की वेबसाइट दिखा रही हूँ। गूगल पे आपको जाना है, सिंपली निफ्टम डालना है, NIFTEM निफ्टम डालना है। आपके पास दो लिंक आएंगे, एक ही आएगा इसमें PMFME में जाके जब आप क्लिक करेंगे इसको, तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल जो है इसमें ODOP डोमेन में जाएंगे तो आपके पास ये सारे ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएंगे। जैसे कि आपको अगर बेकरी से रिलेटेड, आपको मान लीजिए बिस्किट केक या ऐसा कुछ बनाना है तो आप बेकरी के सेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वो सारी चीजें चूज कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको हर एक प्रोडक्ट के सामने उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसकी पैकेजिंग, उसकी FSSAI के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, उस सबके ये PPTs हैं। और यहाँ पे आपको DPR मिल जाएगा, यहाँ पे हैंडबुक मिल जाएगा। अब जैसे इस सेक्शन में ये वीडियो वाला कॉलम खाली है, तो आप जब हिंदी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वीडियोस जितने भी बने हैं वो ज्यादातर हिंदी में ही हैं, तो आप हिंदी सेलेक्ट करके उनके वीडियोस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेट स्लो है तो आई थिंक ओपन ही हो रहा है, बट ऐसे ही जैसे आप काफी सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कुछ देखना है तो वो आप देख सकते हैं, या फिर ग्रेन डेयरी में आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। डेयरी का आपको कोई प्लांट लगाना है, छोटा सा घी प्रोसेसिंग का प्लांट लगाना है, या फिर पेड़ा बनाना है, फ्लेवर्ड मिल्क, रबड़ी, चीज, कर्ड, पनीर बनाना है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टम कुंडली का पेज। मैं आपको इसका लिंक भी दे देती हूँ चैट बॉक्स में।
दूसरा है निफ्टम थंजावुर का। जब इसमें भी आपको यहाँ पे मैं बैक जाके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे आपको पीएमएफएमई का साइन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल के आएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल ODOP, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, अब जैसा कि आपने कहा कि आपको पोटैटो का करना है, तो मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में गई, आज नेट स्लो है आई गेस। बेसिकली इस पेज पे आपको ना काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे ये पोटैटो चिप्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं, ये देखिए ये वीडियो है, ये इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने हिंदी में सेलेक्ट कर लिया, इसका आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मैं इसका भी लिंक आपको दे देती हूँ। आप चैट बॉक्स से लिंक कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे कि मैंने बताया आप गूगल पे जाके इस तरीके से इन वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं और अपना जो भी कंटेंट है, जो भी आपके प्रोडक्ट रिलेटेड आप करना चाहते हैं वो आप देख के यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। जी, और नेक्स्ट सवाल है, प्रमोद कुमार वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनसे कि अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। प्रमोद कुमार वर्मा, जी सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का सवाल लेते हैं। रमन कुमार जी ने अपना हैंड रेस किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी मीटिंग के द्वारा जो मेरे समझ में आया कि हमको डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन से मिलना चाहिए। हमारा FPO है, FPO में अभी हमारा 1 साल से काम कर रही है। तो होता है क्या कि जो किसान के पास माल अवेलेबल है, मगर वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन होते हैं वो, अभी तो आप ऑनलाइन हमको बतला दिए और उसकी हमको विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है, और उनके पास टाइम नहीं रहता है कि हमारे डायरेक्टर को अच्छे से वो ट्रीट कर सकें, इनको कैसे इस किसान को हम बेनिफिट तक ले जा सकें, ये नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम ये आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन से आप एक ऑफलाइन हम लोग को कॉन्टैक्ट करवाएंगे, जिससे कि हम सारे अपने पेपर और कैसे वर्क करें ये हम पहुंचा सकें वहां तक। SPMU टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज इसका आंसर करें, अगर कुछ ऐड करना होगा तो मैं भी ऐड करूंगी। सबसे पहले तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएं। हमारा झारखंड, हम देवघर से हैं। देवघर में आप किस ब्लॉक से?
मोहनपुर ब्लॉक से हमारा बाबा धाम फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड मोहनपुर के नाम से एफपीओ काम कर रही है। देखिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हम लोगों ने वहां पे एक जो है जीएमडीआईसी के तरफ से देवघर में एक अवेयरनेस मीटिंग किया गया था, जहां पे एफपीएमयू टीम खुद गई हुई थी और डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस कैंप जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी देवघर में ही, और आपके एफपीओ से भी कुछ लोग आए हुए थे। क्योंकि आप जो डीआरपी की बात कर रहे हैं, तो देखिए डीआरपी जो है पीएमएफएमई को एक हैंड होल्ड कर रहे हैं और उनकी भी अपनी व्यस्तता चलती है, क्योंकि वो एक झारखंड की जो और भी जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पीएमईजीपी है, माटीकला है, जो झारखंड स्टेट की जो प्रायोजित कार्यक्रम है उसपे डीआरपी की इन्वॉल्वमेंट होती है। और चूंकि देखिए जब आप एफपीओ है तो एक तो है कि अगर आपको डीआरपी से हैंडहोल्ड नहीं मिल पाता है तो हमारा पर्सनल नंबर है यहाँ पे, जो हेल्पलाइन नंबर है हमारा झारखंड का जो एफपीएमयू टीम देखती है उसका नंबर है 0651। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये नंबर आप सभी लिख ले। मेरा एक और समझ में क्या है ना कि ये अपने एफपीओ प्रमोटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट सोर्स पर्सन पीएमएफएमई की बात कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपना एफपीओ बनाया, क्योंकि इनकी बातों से लग रहा है कि जिन्होंने एफपीओ बताया उनको वो इनको डॉक्यूमेंट ये सब के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, ऐसा है क्या? जो हमारा जिला में अभी एआईएफ का ट्रेनिंग हुआ था सर, उसमें हम लोग गए हुए थे। अच्छा, तो उसमें जितना हम लोग को बतलाया गया तो उसमें हम लोग वहां तक जाते हैं, मगर होता है क्या ना, हमारा जो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो क्या होता है कि जो एफपीओ में डायरेक्टर हैं ये तो अभी फार्मर हैं, फार्मर बने हैं, इनको उसकी विस्तृत जानकारी नहीं। नहीं नहीं, तो ये तो है ना कि एक बेसिक लेवल का ओरिएंटेशन आपको सीबीपीओ या जो भी हम आपके प्रमोटर हैं वो आपको बताएंगे, जैसे आपका नया एफपीओ है तो आपको नर्चर करना, उनका भी एक रोल है, वो आपको नर्चर करेंगे, और जो फूड प्रोसेसिंग वाली बात है तो उसमें फिर पीएमएफएमई की टीम से आप मदद लीजिए। इसमें जो हमारे डीआरसी या फिर अभी दिनेश जी एसपीएमयू में है या फिर जो फोन नंबर मिला आप यहाँ पे करेंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी, लेकिन अपने फार्मर को ट्रेन करना तो वो एफपीओ के विदिन का एक काम है। फूड प्रोसेसिंग हमारा फार्मर को ट्रेन नहीं करना, हमारा जो डायरेक्टर है वो लगाना चाहता है, वो लेना चाहता है, मगर वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है ना, क्योंकि हमको गाइडलाइन नहीं मिल पा रही। ऑनलाइन तो हमको वो आए 100-150 आदमी का मीटिंग था, वो बोल दिए, फिर जैसे आप दिखलाए स्कीम इसमें ऐसे ऐसे करना है, फिर होता है क्या ना, हमको वहाँ उस जगह पे प्रॉब्लम होती है। अभी हमारे पास मतलब प्रोजेक्ट रमन कुमार जी, रमन कुमार जी, मैं समझ गई हूँ, आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि आपको एक तरीके से जितनी भी पीएमएफएमई स्कीम से रिलेटेड जानकारी है, पर्टिकुलरली आपसे आपके एफपीओ से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या फिर जो क्या प्रोसेस रहेगा आगे, वो सारी चीजें डिटेल में आपको सारी जाननी है। ठीक है जी 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 मैम, जी मैम। मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इनके स्टेट इनके डिस्ट्रिक्ट के डीआरपी से प्लीज कनेक्ट करवाइए इनको, और एक विजिट जरूर प्लान कीजिएगा ताकि वो इन तक पहुंच के इनकी जो भी एप्लीकेशन है वो शुरू करवा सके, क्योंकि हमारे एफपीओज को अभी पीएमएफएमई स्कीम में एनरोल करना काफी ज्यादा जरूरी है। एफपीओज ग्रुप एप्लीकेशंस अभी पीएमएफएमई में कम है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि जितने भी एफपीओज हैं, जो भी विलिंग है या फिर जो भी चाहते हैं पीएमएफएमई स्कीम के बेनिफिट लेना या सपोर्ट लेना, उन तक हम पहुंच सके और वो इसका अवेल कर सके, इसके लाभ उठा सके, क्योंकि ये स्कीम आप ही लोगों के लिए है। जी जी, तो प्लीज कीजिएगा अर्जेंट बेसिस पे। रमन जी, एक तो एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि देखिए कुछ एक एरिया है जो देवघर से काफी दूर होता है, आपका मोहनपुर तो फिर भी नजदीक है, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है जीएमडीआईसी में आप जाएं, ठीक है, आपको जब भी टाइम मिले आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आप देवघर जाएं, और वहां पे जाने के बाद अगर आपको आपके मन मुताबिक अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है तो आप इमिडिएटली मेरे
पर्सनल नंबर पे जो है कॉल करें। मेरा पर्सनल नंबर भी आप सभी एफपीओ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अभी एफपीएनयू में मैं जो अभी देख रहा हूँ वो पर्टिकुलरली एफपीओ एसएचजी और इंडिविजुअल लेवल पे मैं बिजनेस गाइड करता हूँ। और आपके जो भी एफपीओ रिलेटेड क्वेरीज होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्लान कंप्लाइंसेस, आपके बिजनेस प्लान से लेकर के आपके मतलब ये जो भी आपको एक निजी तौर पे मतलब जो एफपीओस को एक हैंडहोल्ड चाहिए होता है वो मैं पर्सनल लेवल पे देखता हूँ जी एसपीएनयू के जी लिए, पीएमएसएमई के लिए। तो आप मेरा पर्सनल नंबर लिख लें और मुझे इमीडिएटली आप कॉल करें। मेरा नंबर है जी 7401046 मतलब मैं वन सभी जीरो से फोर सिक्स आप जी आप सभी पार्टिसिपेंट से मेरा आग्रह है कि जहां भी आप लोगों को टेक्निकलिटीज अगर आपको दिक्कत हो रही है, आपको एप्लीकेशन डालने में दिक्कत हो रही है, आपको डीआरपी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ समझने की जरूरत है, अगर आपको लग रहा है कि हमें जो है पीएमयू टीम की जरूरत है, तो आप हमें हमारे पर्सनल नंबर पे जो है 10 से लेके 6 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस बीच में आपको सारी क्यूरीज की जो है विस्तृत जानकारी हमारे टीम से आपको मिलेगी। जी, सर हमको तो जरूरी है क्योंकि हमारा नया है और हम इन लोग को चाहते हैं कि बेनिफिट हो। ये लोग फार्मर लोग जो हमारे साथ शेयर होल्ड किए हैं जी हमारे जी देखिए हमारी हमारी पूरी एसपीएमयू टीम आपके लिए जो है हम चाहते हैं कि हमारा झारखंड जो है सशक्त हो, और वो सशक्त तभी होगा जब एफपीओ में जो बॉटम लाइन के किसान है उनका बेनिफिट। जी। तो थैंक यू डेफिनेटली हम जो है हम चाहते हैं कि एफपीओ जो है यहाँ पे इतना सस्टेन हो जाए, इतने अपने आप को आत्मनिर्भर करने की जो है उनको डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचे। और डेफिनेटली अगर मेरा नंबर आपके पास है तो आप हमें कभी भी रीच कर सकते हैं 10 बजे से लेकर 6 बजे तक। जी। धन्यवाद सर हम पहले जाके मिलते हैं वहाँ उद्योग विभाग में, फिर हम वहाँ से जी। देखते हैं पहले आप वहां से हैंडल लीजिए, क्योंकि देखिए जब आप वहां जाएंगे तो वो जी। हमें से हमारे से ही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं जो है झारखंड में लगभग ये मेरा 13वां जो है ये है जब मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ। तो इससे पहले मैं 12 एफपीओ को अपने पर्सनल हैंडहोल्ड सपोर्ट कर चुका हूँ। 12 एप्लीकेशन है हमारे पास जो अभी मेरे मेरे इंड पे पड़े हुए हैं जिनका मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ। तो ये है कि जब आप देवघर जाएंगे तो वो डेफिनेटली मेरे से ही कनेक्ट कराएंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन हाँ, जहाँ तक हैंडहोल्ड की बात रही कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पहले जाके वहाँ पे बात कीजिए, आपको अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है तो आप इमिडिएटली मेरे से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू दिनेश जी एंड थैंक यू रमन जी। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि जैसा दिनेश जी ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर किया है वो मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। ये दिनेश जी जो पीएमएफएमई झारखंड के स्टेट टीम से हैं उनका नंबर है। अगर आपका कहीं पे भी इशू या कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन में दिक्कत है, या फिर हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमें कहीं से पता नहीं चल रही है कोई जानकारी, तो आप थैंक इनको संपर्क कर सकते हैं और यू ये आपको सही से गाइड करेंगे। बिकॉज एसपीएमयू टीम ग्राउंड लेवल पे काफी ज्यादा काम कर रही है, हर एक जगह जाके वो पीएमएफएमई के बारे में बता भी रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस सब का बेनिफिट मिले। थैंक नेक्स्ट थैंक यू रमन जी। नेक्स्ट सवाल है प्रमोद कुमार वर्मा जी, अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं तो प्लीज। यू। आप एक सवाल चैट बॉक्स में आया हुआ है कि कितने परसेंट जो है ट्राइबल एरिया में, क्योंकि झारखंड का जो मोस्ट एरिया है वो ट्राइबल एरिया है, तो कितने परसेंट सब्सिडी उनके लिए अवेलेबल है। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सभी के लिए एक टाइप का जो है सब्सिडी सब्सिडाइज प्रोग्राम है, ये सभी के लिए अप्लीकेबल है 35%। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 35% है, अगर आप एफपीओ हैं ग्रुप हैं तो मैक्सिमम आपका 3 करोड़ है, 35% मैक्सिमम 3 करोड़। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन का सवाल जो है आंसर मिल गया होगा। जी एक एक और सवाल है हमारे चैट बॉक्स में, ये अमित जी की तरफ से सवाल था।
सर, सीड कैपिटल सपोर्ट फॉर एफपीओ भी 40,000 पर मेंबर है, जैसा कि सिमिलर टू एसएचजीज है. प्लीज क्लियर फॉर सीड नहीं, एफपीओ. एक्चुअली देखिए, एक है कि जो 40,000 रुपए का जो ग्रांट है वो एक्चुअली एसयूएलएम के लिए अवेलेबल है। ये जो है एफपीओ के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही छोटी अमाउंट है जो हैंड होल्ड सपोर्ट के लिए मिल रहा है, वैसी महिलाओं के लिए मिल रहा है जो घर पे जो है बड़ी पापड़ जो है वो हैंडमेड बनाती हैं। वो चाहती है कि उनका प्रोडक्शन लेवल जो है वो बढ़े, और उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उनके टेक्निकल इन्हेंसमेंट करने के लिए, उनको जो शुरुआती दौर पे जो एक टेक्निकल असिस्टेंस की जो जरूरत होती है उसके लिए ये 40,000 रुपए की जो है राशि उनको दी जाती है। और ये 40,000 रुपए जो है वो फेडरेशन को मिलती है। जैसे अगर हम जेएसएलपीएस की बात करें तो जेएसएलपीएस का अपना सीएलएफ है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उसको ये पैसा जाता है। फिर सीएलएफ से बॉटम लाइन को जाता है, मतलब किसी महिला ने अगर एप्लीकेशन डाला है तो उसकी स्क्रूटनी करते हैं हम लोग, और फिर उसको हम 40,000 रुपये देते हैं। और ये फिर 40,000 रुपये वो सीएलएफ जो है एज ए ग्रांट जो है वो अपने फेडरेशन में रखता है, फेडरेशन से फिर एक महिला को लोन के रूप में जाता है, और ये फिर जो है उसको रिपेमेंट करना होता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एज ए एफपीओ आप बड़े लेवल पे सोचें, कम से कम जो है अपने बिजनेस की स्टेबिलिटीज को देखें, अपने आस पास के कमोडिटीज को ध्यान में रखते हुए उस पे आप एक्ट। जी, मैं बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने सवाल आप यहाँ पे इस सेशन पे पूछें. अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, जितना भी हमारे स्पीकर और एसपीएमयू टीम मेंबर दिनेश जी ने बताया है आपको पीएमएफएमई स्कीम के बारे में, कैसे क्या करना है, जितनी भी चीजें आपको बताई है, अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है, आपको कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आया कुछ, तो प्लीज अपना सवाल पूछें, क्योंकि अभी हमारे साथ ये लोग बने हुए हैं, ये आपके सवालों के बहुत अच्छे से जवाब देंगे. आपको इंडिविजुअली मौका मिल रहा है कि आप अपने सवाल डायरेक्टली इनसे पूछें. तो अगर आपका कोई सवाल है तो अपना हैंड रेज कीजिए, अपना हाथ उठाइए. आप हैंड के साइन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख सकते हैं. ऑल्सो जिन जिन लोगों ने पूछा है कि हमें ये प्रेजेंटेशन मिल सकती है क्या, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि विजय रावत जी ने अपनी मेल आईडी चैट बॉक्स में डाली है, जो कि है vijay.rawat1@in.ey.com. आप इस मेल आईडी पे उनको लिख सकते हैं, आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रमोद कुमार वर्मा जी ने फिर से हैंड रेस किया है. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर, आप अपना एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो सिस्टम, आप माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद. अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आपका माइक जो है वो अनम्यूट होगा. जी सर, सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बताइए. नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार मैम, मैं जी. झारखंड से प्रमोद कुमार वर्मा, जी सर, बताएं सवाल, बताएं सर. सारवा वेजिटेबल फेड फार्मर प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड से बोल रहा हूँ। और जी पहले मैं एक किसान हूँ, और मैंने एफपीओ बनाया है, और मेरे साथ 500 किसान हैं। सोच रहा हूँ कि किसान के लिए बहुत कुछ करूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमें हेल्प चाहिए, और कैसे किसान के लिए कुछ करें। मेरे सवाल में तो दो तीन प्रोजेक्ट है, लेकिन
अभी कर कुछ नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते हमें काफी दुख हो रहा है जो, और मेरे साथ सर, जो किसान खड़े हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको? ये एफपीओ हमने कुछ यहाँ बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ से हमें कुछ प्रोजेक्ट नहीं लगा पा रहा हूँ। जैसे हमको मुढ़ी प्लांट लगाने का और एक सॉस प्लांट लगाने का पूरा मेरा दिमाग में चल रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा हूँ। सर दिक्कत कहाँ आ रही है? ऊपर आप से ये हेल्प बताइए। चाहिए, हमें ऊपर से सपोर्ट नहीं आ रहा है। हमारे एफपीओ के जो सब हैं वो हमें इसको करने के लिए हमें आगे नहीं ला रहे हैं। हम एक किसान हैं, हमें कुछ पता नहीं है कैसे क्या करना है, लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल रही अच्छी से, जब हम कैसे बढ़ाएं एफपीओ को, कैसे हम किसान को आगे बढ़ाएं। दिनेश जी या राजीव जी, इवन विजय रावत जी, अगर किसी के पास कोई अप्रोप्रिएट कौन से जवाब हो सीबीओ, इसका। आप किस सीबीओ के अंडर आते हैं, कौन से एफपीओ से बात करें, नाम बताइए एफपीओ का जरा एक बार। आपने क्या बोला, वेजिटेबल फेड प्रोड्यूसर कंपनी राइट? सर एफपीओ स्कीम में है। हेलो, सारवा वेजिटेबल फेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। आपके सीबीओ कौन है, सीबीओ कौन है आपके? हेलो, आपके सीबीओ कौन है? सीबीबीओ? हाँ, डायरेक्टर हमारे प्रोजेक्ट का डायरेक्टर सुजीत सर है। डायरेक्टर नहीं बोल रहा मैं, सीईओ की बात कर रहा हूँ, जो आपको हैंड होल्ड कर रहे हैं स्कीम में, 10,000 एफपीओ स्कीम के तहत। आपका नाम बताएं जरा, सीबीओ कौन है आपके? आप मुझे अब नंबर दीजिए अपना जरा एक बार प्लीज, हमसे बात करते हैं। 7909035035। ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ ना। हाँ हाँ, अपना नंबर दीजिए आप। हाँ, 7909035 9444848। ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ, मीटिंग एक बार ये खत्म नहीं, उसके मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे ये दो चीज जाननी है आपसे, कि आपका जो एफपीओ 10,000 एफपीओ स्कीम के तहत बना है, यस या नो, और दूसरा सीबीओ कौन है आपका, जो आपको हैंड होल्ड कर रहा है स्कीम के तहत, ठीक है ना? मुझे जानकारी चाहिए आपसे, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इस स्कीम में। जो भी एफपीओ बने हैं, हम एक्चुअली वही हम एज एनपीएम है, हम आपकी हेल्प कर पाएंगे इस चीज को लेके। प्रमोद कुमार जी, जैसा कि विजय रावत जी ने बोला है, आपका नंबर उन्होंने ले लिया है, या आपको सेशन के बाद में संपर्क करेंगे, आपको कॉल करेंगे, जो भी जानकारी है आप इनको दीजिए, और उसके बाद में ही ये आपको सही दिशा दिखा पाएंगे, ठीक है जी? धन्यवाद। नेक्स्ट अमित जी की तरफ से सवाल है। अमित जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। जी सभी सुन पा रहे हैं? जी मैम, मैं जानना चाहता था कि अभी हम लोग नए एफपीओ हैं, और मैं बोल रहा हूँ जरीडी तेजस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोकारो से। तो अभी नए में अभी हम लोग को बिजनेस करने में दिक्कत आ रहा है, कि जो मार्केटिंग को लेके, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इन जनरल नहीं होते हैं, जैसे अभी हमारे साइड हो रहा है सखुआ का जो बीज है, तो इन जनरल इसका मार्केट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा इधर स्कोप है। तो ऐसा कुछ सेंट्रलाइज्ड लेवल पे है क्या, कि अच्छे रेट मिल पाए, या मार्केट का कुछ वैसा कनेक्शन हो? दिनेश जी या राजीव जी? एक तो है, आपके कितने पुराने, कितने साल पुराना आपका एफपीओ, कितना महीना हुआ है अभी आपको? सर हमारा इनकॉर्पोरेशन 8 दिसंबर को हुआ है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर आपके प्रमोटेड आपके डीबीओ में आते हैं, या डीबीओ ही आपका प्रमोटेड एजेंसी होगी ना? कौन सी एजेंसी है जो आपको प्रमोट कर रही है? जी प्रदान, प्रदान आपकी सीबीबीओ एजेंसी है, तो डेफिनेटली देखिए प्रदान जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको हैंडओवर तो आपको अच्छे से मिलेगा, क्योंकि आप 8 दिसंबर को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो आपका 1 साल का तो आपका
ऑडिटेड बैलेंस शीट हो ही गया होगा आपके पास, जो मार्च में आपने ऑडिट करवाया होगा। तो आप जो है पीएमएफएमई कर सकते हैं उस पर अप्लाई, है ना। और देखिए, कुछ कमोडिटीज होती हैं जो बहुत ही छोटे लेवल की होती है लेकिन उसका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। जी सर, वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअली जो सखुआ का बीज है वो हर जगह नहीं अवेलेबल होता है, लेकिन हम लोग अभी वो नए हैं और लोकल अमित मार्केट्स। हाँ जी, मेरी मेरी बात पहले सुन लीजिए कि देखिए, कुछ एक एंटीएफपी प्रोडक्ट होते हैं जो डिमांड में रहते हैं लेकिन वो लोकली लोग जानते हैं, उसका जो है उतना मार्केट में उसका, अगर हम जब उसको मान लीजिए अगर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसका हो सकता है वैल्यू उतना नहीं हो, क्योंकि उसकी डिमांड, क्योंकि उसकी लोकेलिटी में ही उसके लोगों को जानकारी होती है और वो लोकल में हो सकता है उसका डिमांड हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप जो है ना, आप अगर देखेंगे उसका फिजिबिलिटी, जब आप चेक करेंगे उसका, जब आप मार्केट एनालिसिस करेंगे, जब आप उसका, जब आप उसका बिजनेस प्लान बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि वो मुश्किल से 5 लाख या 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की उसका जो है मार्केट में वैल्यू है। तो आप एज ए एफपीओ आप ये देखिए कि आपके फार्मर के पास उस कमोडिटीज का कितना जो है सरप्लस है, ठीक है। और ओके हमेशा वो अगर 100 मीट्रिक टन हो, 200 मीट्रिक टन हो, 500 मीट्रिक टन हो, जब मतलब आपके पास, आपके कंज्यूम होने के बाद अगर आपके पास सरप्लस कमोडिटीज इतना हो जाता है कि आप जो है उसको जो है मार्केट में सेल करोगे और वो मेट्रिक टन में होगा और आपका जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक जो आपके शेयर होल्डर्स है उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वैसे कमोडिटीज को आपको पकड़ना है। आपको ऐसे कमोडिटीज को नहीं पकड़ना है जो आपको लग रहा है कि वो मार्केट में उसका वैल्यू ज्यादा है, वो आपके आपका परसेप्शन है। जब आप उसको मार्केट में लेके जाओगे तो हो सकता है लोग जानते भी ना हो, और जब आप सरप्लस की बात करोगे तो हो सकता है आपको सरप्लस भी ना मिले। तो हमेशा याद रखिए कि जब आपके पास सरप्लस कमोडिटीज हो, जब आप सरप्लस कमोडिटीज जब आपके पास अवेलेबल हो, तो ही उसको जो है मार्केट तक पहुंचाने का कोशिश करें और प्रोसेसिंग की फिर बात करें। जी सर, सर यहाँ पे आपने जो बताया कि सेल्फ कंजम्पशन, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ये जो बीज होता है एक्चुअली में ये लोग सेल्फ कंज्यूम नहीं करते हैं और सारा बीज बाहर ही जाता है, मतलब खरीदते हैं और उसका बेसिकली तेल निकाला जाता है जो यहाँ पे लोकली कंज्यूम नहीं करते हैं। और मैं अभी समझ मैं रहा बोल हूँ, दूं, कितना मेट्रिक टन होगा आपके पास, अभी आपके अभी पास हमारे पास 5 टू अभी हमारे पास 5 टू 6 मेट्रिक टन हो सकता है, हमारे किसान उतना अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने की बात नहीं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे, इनाम पे इसका ट्रेड होता है हजारीबाग से। कुछ किसान क्या करते हैं, इनफेक्ट किसान क्या, जो ट्रैवल फैमिलीज फॉरेस्ट में होते हैं ना, वो कलेक्ट करके सखुआ का ये सीड वगैरह बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ आप एक बार इनाम से कांटेक्ट करके देखिए ना, हजारीबाग से भी ट्रेड हुआ था लास्ट ईयर, तो ओके इनाम का क्या नेटवर्क है, वो फिर बाकी जगहों से बात करके ये लिंकेज करवा देंगे आपका। ओके सर, थैंक यू। उनका नंबर मिल सकता है? हाँ, आपको एक स्टेट कोऑर्डिनेटर है, अमित उनका नंबर चैट बॉक्स में डाल दे रहे हैं। ओके सर जी, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम जो है ना पीएमएसएमई प्रोसेसिंग पे जाती है, प्रोसेसिंग पे हम लोग काम करते हैं। तो जो है आपने जो सवाल किया है वो बेसिकली आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ जो उसका बीज होगा, सीड होगा, या उस तरीके से, राइट। जी सर, हेलो। तो जैसा राजीव जी बताए कि आप इनाम पे आप सर्च कीजिए और फिर जो ठीक है, मैं नंबर नोट कर लेता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। है। थैंक यू अमित जी। थैंक यू मैम। राजीव जी ने नंबर डाल दिया है, संतोष जी जो कि इनाम के स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनका नंबर चैट बॉक्स में है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो हम लेते हैं, अदरवाइज आई थिंक जिसके भी जो सवाल थे वो बहुत अच्छे से आंसर हुए हैं। स्टिल अगर आपका कोई सवाल रह गया है या फिर आपने नहीं पूछा है तो झिझकिए मत, प्लीज अपना सवाल पूछे, ये हम लोग आपकी मदद के लिए ही हैं यहाँ पे। ये पीएमएफएमई सेशन भी इसीलिए कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगर कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
जी राजू रंजन जी ने हैंड रेस किया है। सर अनम्यूट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद में आपका माइक अनम्यूट होगा, उसके बाद आप सवाल पूछ सक पाएंगे। जी हेलो, जी सर आवाज आ रही मैम? हाँ जी सर नमस्कार मैम, मैं बसंत राय फार्मा प्रोड्यूसर राजीव बोल रहा हूँ, ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। मैम जी मेरा सवाल था कि मान लीजिए कि मैं आलू का चिप्स बना रहा हूँ और वहां पे आलू उतना मान लीजिए प्रोडक्शन नहीं उस ब्लॉक में, तो क्या मैं दूसरे ब्लॉक से या दूसरे जगह से ये मतलब आस पास के ये से वो परचेज कर सकता हूँ मैं? सर, परचेज तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ये तो टोटली आप पे ही डिपेंड करता है। मतलब इसमें हम जी लोगों का कोई रिस्ट्रिक्शन या ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ये आप ही को देखना है। बट जब भी हम किसी चीज पे काम करते हैं, अपने बिजनेस पे जी काम करते हैं, तो ज्यादातर हम जो अप्रोच होती है, मतलब जिस तरीके से हम शुरू करते हैं, उस तरीके से हम यही देखते हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग हर चीज में करनी होती है। इसीलिए हम यस मैम हमारे पास जो रिसोर्सेस की जरूरत होती है, हमें जितने भी चीजों की जरूरत होती है, वो हम आसपास ही देखते हैं। अगर ऐसा है कि आप कहीं और से सोर्स करके लेके आ रहे हो और फिर उसका यूज कर रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉस्ट आप अगर मैनेज कर पा रहे हो, एडजस्ट हो जा रहा है, आप इतनी सेल कर ले रहे हो कि वो आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ रहा है उस चीज का, तो नहीं, फिर वो टोटली आप पे, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या जैसे मैम ऑब्जेक्शन नहीं है। एनसीडीसी का जैसे कि है कि नहीं, आप जिस ब्लॉक में काम कर रहे हैं उसी ब्लॉक का ही कोई भी कमोडिटी या कुछ भी प्रोडक्ट वही का आप ये कर सकते हैं, यूज कर सकते नहीं हैं या नहीं ऐसा कुछ अच्छा। भी इसमें नहीं है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ मान लीजिए बसंत राय मैम बगल में पत्रगामा है, महागामा है एकदम बगल में ही है, तो मैं वहां से भी तो ये कर सकता हूँ ना मैम, उस किसान को उस किसान का भी जो भी फसल से ले हो। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी ओके ओके मैम, ओके मैम, बस यही सवाल था। थैंक जी यू मैम। जी नेक्स्ट किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछे, अदरवाइज हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। जी नागेश्वर जी ने अपना हैंड रेस किया है। जी सवाल पूछे सर। गुड मॉर्निंग मैम, जी बोल रहे थे कि जो अभी आप एक बोले कि ये संतोष जी इनाम स्टेट कोऑर्डिनेटर जो झारखंड का है, तो ये देवघर जिला के जो हम लोग बाबा धाम फीड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से बोल रहे हैं, तो जो देवघर में देवघर जिला में जो इनाम का जो है ऑफिस है देवघर में जो अभी पदाधिकारी हैं वहाँ हैं, तो हम लोग जो मेरा जो सीईओ है कंपनी का उससे बात हो चुका था, बहुत बार गया बात हुआ, फोन पर गए इनाम में जोड़ने के लिए, बहुत बार वहां गए गया कागज लेके, लेकिन अभी तक वो इनाम में जोड़ नहीं पाया। इसका वहां जब जाते हैं तो वो हम ही लोगों से क्वेश्चन पूछता है क्या करना है क्या जोड़ना है, मतलब वो जो है सही तरह तरीके से जो हम लोगों को बतलाता नहीं, उतना चीज हम लोग जान नहीं रहे हैं, नए नए हैं, इनाम से जोड़ने का वो कोई सिस्टम सिचुएशन सही तरह से बता ही नहीं रहे हैं, जिसके चलते हम लोग इनाम में अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को? सर ये देखिए ये सेशन जो है ये पीएमएफएमई के बारे में है। हम पीएमएफएमई के बारे में आपको बता सकते हैं, ऑल्दो ये एक एक्सटेंसिव सपोर्ट आपको राजीव जी ने दे दिया था क्योंकि उनकी जानकारी में था। बट राजीव जी आप कुछ मदद कर सकते हैं इसमें। हेलो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि आप खुद से वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लोकल जो इनाम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो बाजार समिति सचिव हैं, उनसे मिलके ही काम करना है क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। तो सिर्फ रजिस्टर करना ही एक काम नहीं है इसमें, उसके बाद ट्रेड करने के लिए आपको इनकी मदद चाहिए होगी। लेकिन वहां गए केस सर? आपको फिर भी दिक्कत है तो मैंने आपको इसलिए स्टेट कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया है, कुछ इशू है तो वो रिजोल्व करेंगे। और दूसरा है कि आप हेल्पलाइन पे भी बात कर सकते हैं, इनाम पे गवर्नमेंट काफी फोकस कर रही है अभी। हेल्पलाइन नंबर सर, हाँ हेल्पलाइन नंबर चैट पर दे दीजिए। हाँ मैंने चैट में डाल दिया है,
और गवर्नमेंट का काफी मतलब फोकस अभी हजारीबाग, धनबाद, काफी जगहों पे इनाम से यहाँ बढ़िया ट्रेड हो रहा है। तो आप एक बार बात करके देखें, मेरे ख्याल से आपको सोल्यूशन मिलेगा। कभी कभी होता है कि ऑफिसों में अप्रोच हुआ, आप किनसे मिले हम लोग नहीं जानते। तो भाई आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं ना, तो बाजार समिति सचिव से मिले, वो आपको आपकी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, कुंदन जी हम बैठते हैं, थैंक यू ये नागेश्वर जी। डिस्ट्रिक्ट आई थिंक अब हमारे पास ज्यादा किसी के कोई सवाल नहीं है। इन केस अगर फिर भी आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है तो विजय रावत जी ने ऑलरेडी अपनी मेल आईडी आपको चैट बॉक्स में दे दी थी, मैं आपको अपनी मेल आईडी भी दे रही हूँ। इन केस आपको पीएमएफएमई स्कीम में कहीं पे भी किसी भी स्टेप पे आपको दिक्कत आ रही है या फिर आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है, आप मेरे को मेल पे लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी मेल आईडी आप चैट बॉक्स से नोट कर लीजिएगा। और बाकी वैसे तो एसपीएमयू टीम काफी ज्यादा काम कर रही है इसमें। मुझे लगता नहीं है कि उसके आगे आपके कोई इश्यूज रहेंगे, क्योंकि वही सारे इश्यूज रिजॉल्व कर देंगे, आपको कंसर्न पर्सन से कनेक्ट भी कर देंगे। बट इन केस अगर नहीं भी होता है, आपको कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है, तो आप मेरे को मेल पे लिख सकते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े इस सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी भरा रहा। और जितनी भी जानकारी इस सेशन में आपको मिली है, या तो आप नए एफपीओ हैं या फिर एग्जिस्टिंग एफपीओ हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं, आप इस स्कीम का लाभ उठाएं। और ये स्कीम आपके जो भी बिजनेस है या फिर आपका जो भी एफपीओ है उसको आगे बढ़ाने में और आगे ले जाने में आपकी मदद करें। इसी आशा को रखते हुए मैं आज का सेशन एंड करूंगी। ऑल्सो एंड करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे स्पीकर का, राजीव रंजन जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पीएमएफएमई स्कीम और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया है। थैंक यू सो मच राजीव जी थैंक यू मैम, फॉर थैंक यू वेरी मच। डिलीवरिंग दिस वंडरफुल सेशन एंड फॉर ज्वाइनिंग। उसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे एसपीएमयू टीम झारखंड से, दिनेश जी का, जो जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन करके जितनी भी क्वेरीज थी और जितनी भी पीएमएफएमई की जानकारी थी जो एड ऑन की इन्होंने, बहुत ही वैल्यूएबल थी। और आप लोगों तक अपना पर्सनल नंबर भी देके उन्होंने एक स्टेप बढ़ाया है ताकि आप लोगों को जितना भी सपोर्ट हो वो मिल सके। तो थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल्सो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विजय रावत जी का, जो कि है एनपीएमए से, जिनके साथ में कोऑर्डिनेट करके ये सेशन निफ्टम कुंडली ने करवाया है। थैंक यू सो मच विजय रावत जी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। नाउ वील कंक्लूड। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सेशन छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। क्यों भाई, आजकल काफी व्यस्त दिखते हो। हाँ भाई, मैंने फूड प्रोसेसिंग का अपना काम शुरू किया है। वो कैसे? प्रधानमंत्री एफएमई योजना की मदद से, जिससे मुझे मिला 35% सब्सिडी वाला सस्ता लोन और तकनीकी सहायता भी। मैंने अपने साथ गांव के कई किसानों को भी जोड़ लिया है। सच में सबका विकास की प्रधानमंत्री जी की ऐसी ही सोच से हम सबको मिल रही है मदद और अवसर। वाह भाई, मैं भी इस योजना का लाभ लेना चाहता हूँ। तो आज ही पीएमएफएमई पोर्टल pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन करो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा लागू पीएमएफएमई स्कीम के साथ अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.mofpi.nic.in पर उपलब्ध है।